है। सो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करेंगे रिएक्ट जेएस, और हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिएक्ट जेएस क्या है, ठीक है? उसके बाद वर्चुअल डॉम क्या है, उसके बाद जेएसएक्स क्या है, कैसे काम करता है, और फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट में, देन स्टेट एंड प्रॉप्स, और फिर हम इन सारी जो हमने चीजें सीखी हैं इनका यूज करके हम एक गेम बनाएंगे, टिक टैक टू। और नॉर्मली इंटरव्यूज में ये टिक टैक टू इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन होता है आजकल। सिंपली आजकल यही क्वेश्चन दे देते हैं कि टिक टैक टू बनाओ, बट ये सेशन टिक टैक टू से बढ़ के ज्यादा है। हम इसमें रिएक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आता है कि रिएक्ट जेएस क्या है। अगर हम रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, react.dev, ठीक है, तो ये एक लाइब्रेरी है फॉर वेब एंड यूजर इंटरफेसेस, ठीक है? अब यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है लाइब्रेरी। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। सो एक फ्रेमवर्क होता है कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, जिस तरह से हमारे पास एक टूल बॉक्स होता है जिसमें काफी सारे टूल्स होते हैं, लाइक हैमर, स्क्रू ड्राइवर। तो वो जो पूरा बॉक्स है वो एक फ्रेमवर्क है, जैसे कि एंगुलर। बट रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ये सिर्फ एक सिंगल टूल है, फॉर एग्जाम्पल हैमर। अगर मुझे एक पूरा टूल बॉक्स क्रिएट करना है तो मुझे बहुत सारी लाइब्रेरीज इकट्ठी करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट इट्सेल्फ काफी नहीं है एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए, मुझे रिडक्स भी चाहिए, मुझे एक्सियोस भी चाहिए, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में। और इसमें एक और डेफिनेशन मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, आई थिंक वो पुराने पुराने डॉक्स में है, रिएक्ट डॉक्स। ये चीज, हाँ ठीक है। तो ये हम सबसे पहले समझते हैं कि डेक्लेरेटिव, कंपोनेंट बेस्ड और लर्न वंस राइट एनीवेयर का क्या मतलब है। तो रिएक्ट इज अ डेक्लेरेटिव लाइब्रेरी। भाई कहीं से ना डिस्टरबेंस आ रहा है बस। गाइज अगर क्वाइट प्लेस पे नहीं हो तो प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है? तो रिएक्ट इज अ डेक्लेरेटिव लाइब्रेरी। डेक्लेरेटिव का मतलब है कि हमें हर स्टेप में रिएक्ट को बताना नहीं पड़ता कि हमें क्या करना है। अगर मैं एक रियल वर्ल्ड का सिनेरियो लूं, सो फॉर एग्जांपल मैं बाहर फ्लैट लेके रहता हूँ और मुझे एक कप ऑफ टी चाहिए। तो कप ऑफ टी बनाने के लिए मुझे पहले पैन को गैस में रखना पड़ेगा, पानी डालो, चाय पत्ती, चीनी, और फिर वेट करो, और 10-15 मिनट्स बाद मुझे टी मिल जाएगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इम्परेटिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें मुझे हर एक स्टेप पे चीजों को करना पड़ रहा है, पानी डालना पड़ रहा है, चाय पत्ती डालना पड़ रहा है। अगर मैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इसको बताऊं तो जैसे जावास्क्रिप्ट में हम एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं, क्रिएट, डिव, और फिर उसमें हम मैन्युअली इवेंट लिस्टनर अटैच करते हैं। ये मैं कोड में करके दिखा देता हूँ अगर डाउट हो रहा हो तो। बेसिकली अगर मुझे एक बटन जावास्क्रिप्ट में बनानी होती है तो हम ये कोड लिखते हैं। आई होप कोड विजिबल है, राइट सबको? यस yes. ठीक है, जैसे कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हम पास करते हैं बटन, और फिर अगर मुझे इस बटन में कुछ लिखना है तो बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है? तो मुझे इतने सारे स्टेप मैन्युअली करने पड़ रहे हैं। ये एक इम्परेटिव अप्रोच है। रिएक्ट एक डेक्लेरेटिव लाइब्रेरी है, मुझे उसमें सारे स्टेप बताने नहीं पड़ते। अगर मुझे बटन बनाना है तो मैं सिंपली ऐसे बटन क्रिएट कर लूंगा, लाइक क्लिक मी, और यहाँ पे सिंपली ऑन क्लिक,
ठीक है, ये जो काम है, जो ये 3 लाइन का काम है, रिएक्ट ये मेरे लिए ऑटोमेटिकली कर देगा, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस बताना है कि मुझे एक बटन चाहिए। अगर रियल वर्ल्ड में इसका सिनेरियो, अब फॉर एग्जांपल मैं घर में रहता हूँ और मुझे चाय चाहिए, तो मैं अपनी मम्मी को बोलूंगा कि चाय बना दो, ठीक है, सारा काम वो करेंगी, अभी भी वो चाय में, अभी भी वो पानी डालेंगी, चाय पत्ती डालेंगी और वेट करेंगी, बट मुझे वो सारे काम नहीं करने हैं, मुझे बस वेट करना है चाय बनने का। जब चाय बन जाएगी तो मुझे चाय मिल जाएगी। तो ये पूरा डेक्लेरेटिव अप्रोच है, राइट? हमने बस बताया कि मुझे चाय चाहिए और थोड़ी देर बाद चाय आ गई, बट वो सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, बट इम्परेटिव में हम खुद करते हैं, डेक्लेरेटिव में रिएक्ट करता है। ये क्लियर है, राइट? डेक्लेरेटिव का कॉन्सेप्ट कि रिएक्ट डेक्लेरेटिव है। उसके बाद आता है कंपोनेंट बेस्ड। तो रिएक्ट में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें हर चीज को एक कंपोनेंट से रिलेट करना पड़ेगा, कंपोनेंट में सोचना पड़ेगा। अब ये जो कंपोनेंट है, ये एक सिंगल एंटिटी होती है यूआई की, ठीक है? अगर इसको तुम अगेन रियल वर्ल्ड से जोड़ के देखो, तो जैसे बायोलॉजी में सेल्स होते हैं, मे बी मैं ये क्या बोलते हैं, हायरार्की थोड़ा गलत बता दूं, बट प्लीज रिलेट कर लेना। तो सबसे छोटे लेवल पे होता है सेल, ठीक है? फिर आई थिंक सेल जब जुड़ते हैं आपस में तो क्या, लाइक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मसल बनाता है, मसल बॉडी बनाता है, ठीक है? तो अगर तुम्हारे सामने एक ह्यूमन बीइंग है, तुम बस एक ह्यूमन बीइंग देख रहे हो, ठीक है, उस ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी सारी चीजें मिलके वो ह्यूमन बीइंग बना है। उसी तरह से एक जो वेबसाइट होती है, फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट पूरा जो मेरे पास खुला हुआ है, हमें ये एक पेज दिख रहा है, बट अगर हम इसे कंपोनेंट वाइज सोचें तो यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट कंपोनेंट दिख रहा है, एक ये इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट है, और ये मेरा एक सेक्शन कंपोनेंट हो गया। तो हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़ के एक वेबसाइट बनाते हैं। तो रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड लैंग्वेज है, जहां पे हम सिंपली छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है, और उन कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ के एक बड़ा बड़ा मतलब बड़ी चीज बनाते हैं। जैसे लीगो पीसेस हम जोड़ते हैं और एक बहुत बड़ा फिगर बनाते हैं। तो कभी भी रिएक्ट पे काम करो, सारी चीजों को कंपोनेंट में ब्रेक करो। अभी अगर मैं इस स्क्रीन को कंपोनेंट में ब्रेक करूं तो देखो, सबसे छोटे लेवल पे टेक्स्ट कंपोनेंट हो गए, टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट हो गया, अब ये मेरे सेल हो गए। अगर मैं इनको जोड़ के टिश्यू बनाना चाहता हूँ तो मैं बनाऊंगा एक बैनर, एक मेरा नेव बार, एक मेरा मेन सेक्शन, और फिर जब इनको और मैं आपस में जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा मेरा एक पूरी स्क्रीन, ठीक है? और लर्न वंस राइट एनीवेयर। सो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि रिएक्ट को हम मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, वेब में भी यूज कर सकते हैं और डेस्कटॉप में भी यूज कर सकते हैं। तो कई लाइब्रेरीज आती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिएक्ट नेटिव का कोड लिखा, अब मुझे वेब में कन्वर्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव का कोड वेब में कन्वर्ट कर सकता हूँ और वेब का रिएक्ट नेटिव में। बट जितना मैंने देखा है उतना ये सक्सेस नहीं होता, लाइक कुछ कुछ चीजें काम नहीं करती हैं, बट फिर भी ये लर्न वंस राइट एनीवेयर है। एटलीस्ट हम रिएक्ट का कॉन्सेप्ट वेब और मोबाइल में सेम ही है, तो हमें ये फायदा हो जाता है, ठीक है? तो ये था इंट्रोडक्शन रिएक्ट जेएस का, कि रिएक्ट इज अ डिक्लेरेटिव लाइब्रेरी, अ यूआई लाइब्रेरी टू क्रिएट यूआई कंपोनेंट्स, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ये इतना पॉपुलर क्यों है। जो काम मैं रिएक्ट में कर रहा हूँ वो काम मैं प्लेन जावास्क्रिप्ट में भी कर सकता हूँ, तो रिएक्ट में करने से क्या फायदा है? देखो, जो यूआई अपडेट्स होते हैं ना, हम यूजर इंटरफेस जो होता है वो हम कहाँ कहाँ देखते हैं, लाइक लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल स्क्रीन्स हो गई, स्मार्ट वॉच हो गए, टीवी हो गया। तो ये जो यूआई अपडेट होते हैं ना, वो बहुत ही कॉस्टलियर होते हैं। कॉस्टलियर का मतलब है, एक मिनट मैं जरा स्क्रीन को ना थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, सो दैट रिकॉर्डिंग में ये थोड़ा अच्छे से आए। जस्ट अ सेकंड गाइस।
रिएक्ट क्लियर राइट कि क्या है गाइस? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि रिएक्ट ऐसा क्या बेनिफिट देता है जो सब लोग इसको इतना यूज करते हैं। अगर मैं सबसे सिंपल एग्जांपल बताऊं तो रिएक्ट की जो कम्युनिटी है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी है। अब किसी चीज की कम्युनिटी अगर बड़ी होती है तो हमारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजीली मिल जाता है। सबसे पहला रीजन कि कम्युनिटी बड़ी है, कम्युनिटी बड़ी होने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजी मिल जाता है। और अगर कम्युनिटी बड़ी है तो उसमें नए नए फीचर्स बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं, बिकॉज लोगों की रिक्वायरमेंट को सर्व भी करना होता है। तो सबसे सिंपल रीजन तो एक ये है। दूसरा रीजन क्या है कि भाई रिएक्ट में जो यूआई अपडेट्स हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे जो चीज निकल के आती है, यूआई अपडेट्स जो फास्ट होते हैं तो वो फास्ट क्यों होते हैं, और अगर मैं वो अपडेट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में करूँ तो वो स्लो क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ना चीजों को और डीपली समझने की जरूरत पड़ेगी। सो जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल कोट किया था कि यूजर इंटरफेस हम कई जगह एक्सपीरियंस करते हैं, फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, डेस्कटॉप, टीवी। अब जो यूआई स्क्रीन पे हमें दिखता है वो होता है पिक्सल। ठीक है, अब उस पिक्सल को अपडेट करने के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, बट कोड तो हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो कैसे वो जावास्क्रिप्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करके यूआई पे पिक्सल ड्रॉ कर रहा है, राइट? ये क्वेश्चन कभी सोचा है? ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स का यूज करके ना छोटे छोटे ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि यूआई अपडेट्स इतने कॉस्टलियर क्यों होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, रिएक्ट वगैरह सीख रहा था, तो मैं इस चीज से बहुत ही परेशान था कि यार मैं ब्राउजर में तो बस बटन ही ऐड कर रहा हूँ, टेक्स्ट अपडेट कर रहा हूँ, ब्राउजर तो बने ही इसलिए हैं, तो क्यों सब लोग बोलते हैं कि भाई डॉम अपडेट इतना कॉस्टली है, डॉम को अपडेट मत करो। तो एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन से मैं ये समझाता हूँ कि डॉम अपडेट्स इतने महंगे, इतने कॉस्टलियर क्यों हैं। सो एचटीएमएल सबने लिखी है, राइट? बताओ गाइस, एचटीएमएल सबने लिखी यस है यस ना? यस 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 सर यस गॉट इट। ठीक है, मेरे पास सिंपल ये HTML का इतना सा कोड है। ठीक है, अगर मैं इसको ब्राउजर में रन करूंगा तो ये मुझे सिंपली दिखाएगा, हे देयर, उसको इधर रखते हैं। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो ये है मेरा इनपुट और ये है मेरा आउटपुट। ठीक है, अब इनके बीच में ना काफी सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले जो ब्राउजर होता है वो मेरे इस HTML को पार्स करेगा। राइट, अब पार्स करने के बाद क्या होगा, ब्राउजर किस लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है? जीरो सेवन वन आई सॉरी, थिंक जावास्क्रिप्ट C++। ब्राउजर C++ में लिखे होते हैं। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो C++ में लिखा हुआ है। ठीक है, जो हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं वो C++ रन करता है, तो ये ब्राउजर C++ में लिखा हुआ है, ये C++ इस HTML को रीड करेगा। और ये जो प्रोसेस है ना, ये वन टाइम प्रोसेस होती है। जैसे ही ब्राउजर को HTML मिला, सारा HTML ब्राउजर ने अपने अंदर लिया, C++ HTML को पार्स करेगा और एक डॉम ट्री बनाएगा। ठीक है, और ये जो डॉम ट्री बनती है, दिस इज यूज्ड बाय C++। दिस इज C++ डॉम ट्री। ठीक
ठीक है, जो हम अभी देखेंगे कहाँ होती है। अब जब ये डॉम ट्री बन जाता है तो ये डॉम ट्री जाता है कहाँ पे, लेआउट इंजन के पास। लेआउट इंजन जहां पे बेस्ड ऑन HTML पूरा लेआउट वगैरह कैलकुलेट होता है, और जब लेआउट बन जाता है तो फिर स्क्रीन में ये चीजें दिख जाती हैं। तो अब देखो डॉम अपडेट इतने कॉस्टलियर क्यों है। ये जो पार्सिंग हुई ये वन टाइम पार्सिंग थी, सर्वर से HTML आई, ब्राउजर ने पार्स की, डॉम ट्री C++ ने डॉम ट्री बनाया, लेआउट बना और UI पे दिख गया। अब इस HTML का कोई काम नहीं है, ये डिस्कार्ड होगी। ठीक है, अब अगर मुझे डॉम ट्री में कोई चेंज करना है तो मैं जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड से C++ को बोलूंगा कि भाई मुझे डॉम ट्री दो। अब मैं जावास्क्रिप्ट से C++ को एक्सेस कर रहा हूं, वहां से डॉम ट्री ला रहा हूं, और मैं C++ का ऑब्जेक्ट अपडेट करूंगा, और फिर जब वो ऑब्जेक्ट अपडेट होगा तो फिर से ये सारी चीजें चलेंगी, और यहाँ पे हमारे GPU वगैरह सब किक इन हो जाते हैं, और फिर जाके लेआउट बनता है। तो जो हमारा डॉम ट्री बनता है, ठीक है, वो कभी भी जावास्क्रिप्ट नहीं क्रिएट करता, ना ही वो जावास्क्रिप्ट उस डॉम को एक्सेस कर सकता है। हमें क्या मिलता है, हमें पॉइंटर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा वेब पेज है, और यहाँ पे मैं करता हूं डॉक्यूमेंट, विंडो, और यहां पे हम ढूंढते हैं अपने डॉम को। ठीक है, तो जो मैंने डॉक्यूमेंट खोला था आई थिंक वो यही डॉक्यूमेंट था, क्योंकि ये शॉर्ट एंड होता है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये मैंने तो जावास्क्रिप्ट लिखा नहीं, राइट, मैंने तो सिर्फ HTML दिया था इसको, ये सारी चीजें कैसे बन गई। तो ब्राउजर ने HTML पार्स किया C++ लैंग्वेज में, और एक डॉम ट्री क्रिएट किया C++ ने, और वो उसका रेफरेंस है ये। ठीक है, अगर मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, तो मैं जो मैंने HTML लिखा था उसको नहीं एक्सेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये जो C++ डॉम ट्री बनी है इसको एक्सेस कर रहा हूं, और मुझे एक रेफरेंस बैक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हटाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स क्लास नेम, टैग नेम से गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है, ये समझ लो ये हमको किसने दिया है, ब्राउजर ने दिया है। ठीक है, ब्राउजर किस लैंग्वेज में लिखी गई है, C++ में। तो ये मेथड ब्राउजर ने एक्सपोज किया है कि भाई जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स कॉल कर लो ये मेथड, जब तुम ये मेथड कॉल करोगे तो मैं C++ का मेथड इन्वोक करूंगा और मैं तुम्हें एक रेफरेंस दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने पॉइंटर्स पढ़ा होगा तो रेफरेंस समझ रहे होंगे कि रेफरेंस क्या होता है। तो अब मेरे पास रेफरेंस है बॉडी का। ठीक है, अब अगर मुझे कुछ अपडेट करना है तो मैं डायरेक्टली इस बॉडी को अपडेट नहीं कर सकता जावास्क्रिप्ट से, मुझे बताना पड़ेगा दूसरे मेथड का यूज करके कि मैं क्या करना चाहता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एलिमेंट आ गया तो मैं करूंगा एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट जो भी है कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, जब मैं ऐसा करूंगा तो ब्राउजर जो C++ का डॉम ट्री है उसको अपडेट करेगा, और फिर जब वो डॉम ट्री अपडेट होगा तो अगेन लेआउट इंजन वो सब GPU वगैरह किक इन होंगे, फिर UI पे जाके हमें हमारा टेक्स्ट देखने को मिलेगा। तो इस रीजन की वजह से जो डॉम अपडेट्स हैं वो कॉस्टलियर होते हैं, क्योंकि कई सारे चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब रिएक्ट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, सो रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड वर्चुअल डॉम। अब रिएक्ट एक इकलौती लाइब्रेरी नहीं है जिसने वर्चुअल डॉम का कुछ अलग से खोज निकाला है, हमारे पास व्यू है वो भी वर्चुअल डॉम पे बेस्ड है, और एंगुलर है, एंगुलर शेडो डॉम यूज करता है, शेडो डॉम का कॉन्सेप्ट वर्चुअल डॉम से अलग है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं जिनका एंड गोल बस एक है,
यू ब्राउज़ वो डॉम अपडेट्स को कम से कम रखना, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन सबके लिए, एट अ गिवन टाइम रिएक्ट जेएस के पास कितने वर्चुअल डॉम होते हैं? वन सर, ठीक है। और कोई आंसर? सर दो होते। ठीक है, और कोई आंसर? ओके ठीक है। तो भाई एट अ गिवन टाइम रिएक्ट के पास दो वर्चुअल डॉम होते हैं, ठीक है। जब भी हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम यूआई पे दिखती है, रिएक्ट जेएस एक्चुअल डॉम का एक कॉपी क्रिएट कर लेता है, जो होता है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉम, और फिर उस एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन का एक और कॉपी क्रिएट करता है, ठीक है। हम जो भी अपडेट्स वगैरह करते हैं, वो जो कॉपी बनी होती है उसमें होते हैं, ठीक है। और जब उस अपडेट को यूआई पे दिखाने की बात आती है, तो फिर जो दो वर्चुअल डॉम है आपस में कंपेयर होते हैं, अगर वो डिफरेंट होते हैं तभी यूआई अपडेट होता है, ठीक है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि क्या स्टेट अपडेट होती है, इसका मतलब है यूआई भी अपडेट होगा, तो नॉट ऑलवेज। अगर मैंने स्टेट अपडेट की, कॉम्पोनेंट री रेंडर होगा, बट वर्चुअल डॉम भी कंपेयर होंगे। अगर वर्चुअल डॉम में चेंजेस हैं तब यूआई अपडेट होगा, ठीक है। और अब हम सबसे पहले देखेंगे वर्चुअल डॉम है क्या, लाइक, ठीक है। वर्चुअल डॉम इज नथिंग, जस्ट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो उसको डिलीट कर। अब देखो ये है मेरे पास एक रिएक्ट का कंपोनेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिएक्ट कैसे इस कंपोनेंट से वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इस ऐप को कॉल कर लेते हैं, सेव करते हैं। ये देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे एक्सपैंड करते हैं। ये है मेरा वर्चुअल डॉम, ठीक है। वर्चुअल डॉम इज नथिंग, जस्ट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, वही एक वर्चुअल डॉम है, ठीक है। अब वर्चुअल डॉम इसीलिए है कि सिंपली डॉम की कॉपी है। अब कॉपी कैसे? प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के टर्म्स में। तो अब देखो इसीलिए रिएक्ट के अपडेट्स फास्ट होते हैं, बिकॉज रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के प्लेन ऑब्जेक्ट्स का यूज करता है एक्चुअल डॉम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब प्लेन ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन बहुत ही इजी है, रेदर देन कंपेयरिंग दूज सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट्स। सो अब देखो कितना इजी हो गया है कि मेरे पास सिंपली एक ऑब्जेक्ट रहता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि कंपोनेंट का टाइप क्या है, क्या क्या प्रॉप्स हैं। मुझे सिंपली इसी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को आपस में कंपेयर करना होता है, और उसके बेसिस पे यूआई अपडेट्स होते हैं। अब यूआई अपडेट्स के दो फेजेस होते हैं। ये जो रिएक्ट है ये दो फेजेस में चलता है। रिएक्ट की दो लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। अगर तुम अपना एप्लीकेशन का कोड खोल के देखोगे जहां पे रिएक्ट डॉम में ऐड हो रहा होगा फर्स्ट टाइम, तो वहां तुम्हें दो, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। ये जो रिएक्ट लाइब्रेरी है इसका काम है तुमको वो सारे मेथड देना, फॉर एग्जांपल यूज स्टेट, यूज रेफ, और जो भी सारी चीजें तुम यूज करते हो उसका, वो सारी चीजें रिएक्ट में होती हैं। यही रिएक्ट का काम है वर्चुअल डॉम क्रिएट करना, कंपेयर करना, और तुम्हें एक वर्चुअल डॉम आउटपुट में देना। जब एक वर्चुअल डॉम हमें मिल जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिएक्ट डॉम की, उस वर्चुअल डॉम को यूआई में बनाने की, ठीक है। कहां गया ये, यहां पे देखो मैं रिएक्ट डॉम का यूज कर रहा हूं ना कि रिएक्ट का। तो जो रिएक्ट पैकेज है उसका काम है वर्चुअल डॉम क्रिएट करना, कंपेयर करना कि कोई चेंज है कि नहीं, अगर यूआई अपडेट करना है तो एक फाइनल वर्चुअल डॉम देना, किसको? रिएक्ट डॉम को। और रिएक्ट डॉम का काम है एफिशिएंटली यूआई को अपडेट करना, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो रिएक्ट हमारे लिए करता है। अब एक छोटा एग्जांपल हम बनाते हैं खुद का, अपना खुद का एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करते हैं और सिंपली देखते हैं
कि रिएक्ट अंदर कैसे कर रहा होगा. दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस. बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है. मैं सिंपली एक छोटा सा ही एलिमेंट बनाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट माई वी डोम इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट. टाइप एच वन कर देते हैं. ठीक है, कॉन्टेंट इज ऑसम. ठीक है, दैट्स इट. ये मेरा एक वर्चुअल डॉम है. अब इसको फेड करते हैं. मैं सिंपली एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं, लाइक फंक्शन रेंडर इन यूआई, और सिंपली इसको कॉल कर लेते हैं यूज इफेक्ट पे. ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे पास मेरा वर्चुअल डॉम है और सबसे पहले मैं रेंडर इन यूआई कॉल कर लेता हूँ. ठीक है, और अब सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे पता है मेरा जो वर्चुअल डॉम है इसमें एक टाइप करके की होगा जो मुझे बताएगा कौन सा एलिमेंट मुझे क्रिएट करना है. मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट. बंद करते हैं, ज़ूम करते हैं, और यहाँ पे माई डॉम डॉट टाइप और एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू कंटेंट और कॉन्स्ट. That's it. लाइन नंबर 15 में इश्यू है शायद, एक कंटेंट आएगा. नहीं वैसे ये इशू नहीं है, इशू कुछ और है सर. वो यूज इफेक्ट अपने को रिएक्ट से इंपोर्ट करना पड़ेगा ना ऊपर. कर लिया, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड बॉडी ऑफ अ फंक्शनल कंपोनेंट. अच्छा ठीक है, मैंने ये कंसोल स्टेटमेंट ऐड किया था ना लास्ट में. ठीक है, ये देखो, तो ये ऐसे काम करता है वर्चुअल डॉम. ठीक है, अगर मैं इस कोड को प्लेन अपने जावास्क्रिप्ट में लिखूं तब भी यूआई पे मेरा एलिमेंट बन जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अगर कुछ अपडेट होना होगा तो लाइक मैं सिंपली अपने इस माई डॉम को फॉर एग्जाम्पल रेंडर इन यूआई में कॉपी होगी एक, लाइक कॉन्स्ट कॉपी इज इक्वल टू. ठीक है, अब मैं सिंपली कंपेयर कर लूंगा, कंपेयर कॉपी और माई डॉम. अगर दोनों डिफरेंट होंगे तभी यूआई अपडेट करूंगा. तो इस रीजन की वजह से रिएक्ट फास्ट है, क्योंकि वो एक्चुअल डॉम अपडेट करने से पहले वर्चुअल डॉम कंपेयर करता है. और मैंने तुम्हें पूरी प्रोसेस बता ही दी है कि लाइक वर्चुअल डॉम क्या है और क्यों फास्ट है, बिकॉज एक्चुअल डॉम अपडेट्स आर मोर कॉस्टलियर देन लाइक नॉर्मल ऑब्जेक्ट कंपेरिजन. और इसमें भी रिएक्ट ने अपने खुद के डेटा स्ट्रक्चर लाइक रिएक्ट फाइबर वगैरह यूज करके कंपेरिजन को बहुत ही फास्ट कर दिया है. ठीक है, तो अब यहाँ से दो चीजें निकल के आती हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जो बहुत जरूरी है, कि रिएक्ट में दो फेज होते हैं यूआई को अपडेट करने के लिए, रेंडर फेज और कमिट फेज. ठीक है, अगर तुम्हारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है दैट डजंट मीन कि तुम्हारा डॉम अपडेट होगा. रेंडर इज जस्ट लाइक अ रिफ्रेश. ठीक है, रेंडर में सिंपली तुम ऐसे समझ लो, जब तुम्हारा कंपोनेंट रेंडर होता है मींस तुमने कोई स्टेट अपडेट की, तो सिंपली वर्चुअल डॉम का तुम कंपैरिजन किक इन कर रहे हो. ठीक है, अगर तुम्हारा वो कंपैरिजन बोलता है कि हाँ चेंजेस है, फिर वो वर्चुअल डॉम रिएक्ट डॉम के पास जाएगा और वहां पे फिर वो अपडेट्स यूआई पे अप्लाई होंगे. तो जो काम रिएक्ट पैकेज करता है वो है रेंडर फेज, सिंपली अ प्रोसेस जहां पे हम चेक करते हैं कि क्या दो वर्चुअल डॉम डिफरेंट हैं, और फिर आता है कमिट फेज जहां पे एक्चुअल डॉम अपडेट्स होते हैं. तो अगर तुम्हारा कोई कंपोनेंट
बार बार अपडेट हो रहा है तो तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है कि भाई यूआई बार बार अपडेट हो रहा है। तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा कंपोनेंट है जो बार बार रेंडर हो रहा है उसमें तुमने कोई हैवी कैलकुलेशन ना की हो। फॉर एग्जाम्पल कि 10,000 20,000 ऑब्जेक्ट्स हैं, तुम कुछ कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वहां पे तुम्हें टाइम लग रहा है तब फिर दिक्कत है, क्योंकि वो बार बार रेंडर होगा, बार बार कैलकुलेट होगा और फिर तुम्हें उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट या कुछ भी जो समझ में नहीं आया हो जो डिस्कस करने है मुझे बस कुछ चीजें कंफर्म करनी है। सो बताओ। व्हेन यू सेड कि कोई चेंज आया, ऑब्वियसली द वर्चुअल डॉम्स वुड बी कंपेयर्ड कि एक्चुअली में क्या चेंज आया है। बट यस बिफोर आई सी दैट चेंज ऑन द यूआई, क्या एक्चुअल डॉम अपडेट होगा या वो नो लेटेस्ट वर्चुअल डॉम को यूज नो करके यूआई बनाएगा? नो इसको ना एक ड्राइंग से समझते हैं, ठीक है? चलो ये मेरा डॉम है, ठीक है? जब फर्स्ट टाइम मेरी एप्लीकेशन रन करेगी तो रिएक्ट सिंपली दो कॉपी बनाएगा, वी डॉम क्या है गाइस? वर्चुअल डॉम वर्चुअल डॉम वर्चुअल डॉम क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्चुअल डॉम। यस। सो अगर कोई पूछे अब वर्चुअल डॉम क्या है तो बस इतना बताना है, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विच इज आइडेंटिकल टू द रियल डॉम। और अगर कोई बोले दिखाओ तो सिंपली कंपोनेंट बनाना, उस कंपोनेंट को कॉल कर लेना, कंसोल कर देना जो मैंने दिखाया था, राइट? तो वी डॉम टू वी डॉम वन, ठीक है? अब जो भी ये वाला जो वी डॉम है ये सारा यूज होता है यूजर अपडेट्स के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल तीन डॉम होते हैं, यूजर चेंजेस टाइटल, यूजर चेंज्ड कलर। तो जितने भी अपडेट्स वगैरह होंगे वो मेरे इस कॉपी वाले पे होंगे। अब फिर जब वही जब रीरेंडर होगा तो सिंपली इस वर्चुअल डॉम का कंपेयर होगा इससे, मेरे जो ओरिजिनल कॉपी थी वर्चुअल डॉम की कंपेयर। अगर इसका आंसर है यस, ठीक है, तो रिएक्ट क्या करेगा, इसको उड़ा देगा, कहाँ गया, इसको डिलीट कर देगा, इसकी जगह ये आ जाएगा और फिर मेरा जो डॉम है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस चलती रहती है। दो कॉपीज रहती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में कोई चेंज हुआ उसका कंपेयर होगा ओरिजिनल से, अगर दोनों सेम है तो कुछ नहीं होगा, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो भाई सीधे रिप्लेस हो जाएंगे और फिर जो ये रिप्लेस वाला वर्जन है ये यूआई में चला जाएगा। या दिस इज द कमिट फेस राइट दिस इज द कमिट फेस, दिस इज द कमिट फेस, ओके दिस इज द कमिट फेस, बट दिस इज द अल्टीमेटली तो कमिट। फिर जो व्हाट वाज द रीजन इट वाज स्लो, बिकॉज़ जो C++ का ऑब्जेक्ट है उसको अपडेट करना वाज एक्सपेंसिव। इफ यस आई यस अंडरस्टैंड इट यस करेक्टली, इस केस में भी तो जब आपका मतलब हुआ कि ओके देयर वाज सम हाँ डिफरेंस। परफेक्ट। सो देखो, हाँ, पहले तुम बोल लो, पहले तुम अपने क्वेश्चन बता लो मुझे। तो यहाँ पर भी तो जब आपने डॉम को रिप्लेस किया, लेट से वी डॉम टू और वी डॉम वन में कोई डिफरेंस था, तो वी डॉम टू वाज ओके, वी डॉम टू बिकेम वी डॉम वन एंड वी डॉम टू वाज डिस्कार्डेड, एंड अल्टीमेटली इन द कमिट फेज जो चेंजेस हैं, मतलब ओनली द चेंजेस दे हैव टू बी समहाउ अप्लाइड टू द एक्चुअल डॉम ताकि मुझे यूआई में उसके चेंजेस दिखे, यस राइट? तो यहाँ पर भी तो C++ का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप एक्सेस कर ही रहे हो, तो सो व्हाट भाई गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत परेशान किया है भाई और मैं अभी भी इसका आंसर खोज रहा हूँ। मैं ट्राई करता हूँ तुम्हें आंसर करने की, और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस सेशन के बाद इस क्वेश्चन का आंसर खुद से सर्च करो और शेयर करना मेरे साथ भी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि तुम लोगों ने कितना रिसर्च किया और तुम्हें क्या मिला,
सो दैट मैं भी मेरी नॉलेज बेस में भी थोड़ा एडिशन हो सके, ठीक है? जो मैं जानता हूँ वो मैं बताता हूँ। देखो बेसिकली हम अगर कोई एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट से अपडेट करते हैं तो हम उतना एफिशिएंटली नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है जिसमें 10 एलिमेंट है, अगर मैं तुमको कहूँ कि तुम्हें उन 10 एलिमेंट का कलर चेंज करना है तो तुम क्या करोगे? सिंपली फॉर लूप रन करोगे और हर एलिमेंट को ग्रैब करोगे, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड कर दोगे, राइट? अब तुमने क्या किया, सिंपली लूप चला के 10 एलिमेंट को तुमने अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्राउजर है उसको 60 fps पे रन करना होता है, ठीक है? अगर 60 fps को तुम ब्रेक करो तो लाइक ऐसा कुछ होता है, देखो 60 फ्रेम पर सेकंड पे हमारा जो यूआई होता है वो रिफ्रेश होता है, ठीक है? और ये जो पर सेकंड होता है उसमें कितने 1000 milliseconds होते हैं, ठीक है? 1000 milliseconds अगर तुम इस 1000 milliseconds को 60 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा? 1000 divided by 60 तो एक 16 नंबर निकल के आता है, 16 milliseconds, ठीक है? 16 milliseconds व्हाट डज इट मीन कि हर 16 milliseconds पे तुम्हारा यूआई रिफ्रेश होता है, ठीक है? Every 16 milliseconds, ठीक है? अब अगर हर 16 milliseconds पे वो रिफ्रेश हो रहा है, what does it mean? कि तुम्हारे पास कोई भी टास्क करने के लिए 16 milliseconds है। अब इस 16 milliseconds में तुम 4 to 5 milliseconds ब्राउजर को दे दो जो वो अपना कुछ काम करेगा, लाइक कुछ भी काम हो सकता है। तो एक्चुअल में जो डेवलपर के पास टाइम होता है कोई भी कैलकुलेशन करने का, हैवी टास्क करने का, वो होता है 10 to 12 milliseconds। तो ये एक मतलब तुम पॉइंट भी रिमेम्बर रख सकते हो कि तुम्हें अगर कोई बोले ऑप्टिमाइज वगैरह करना है तो तुम्हें उन चीजों को ऑप्टिमाइज करना है जो 10 से 12 मिलीसेकंड ले, ठीक है? तो अब देखो अगर मैं खुद से कोई चीज अपडेट करूंगा तो माइट बी मैं इस टाइम को मीट ना कर पाऊं, ठीक है? नंबर वन प्रॉब्लम। नंबर टू प्रॉब्लम, अगर मैं बहुत ही फास्ट यूआई को अपडेट करूंगा तो एक कॉन्सेप्ट है लेआउट थ्रैशिंग, मैं लिख देता हूं, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, लेआउट थ्रैशिंग, ठीक है? इसमें क्या होता है कि हम अगर यूआई को बहुत फास्ट अपडेट करते हैं, अगर वो 60 fps को मैच नहीं कर पाता तो ब्राउजर क्या करता है कि वो बीच के जो एनिमेशन है या बीच के जो फ्रेम्स है वो ड्रॉप कर देता है और सीधे फाइनल स्टेट में तुम्हारी एप्लीकेशन को ला देता है। उससे तुम्हें एनिमेशन में जैंक देखने को मिलता है, ठीक है? कि भाई रुक रुक के चल रहा है। दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन कि अगर मेरे पास जो मैंने तुमको बोला जो पहला रीजन कि 10 एलिमेंट को अपडेट करना है तो रिएक्ट उस अपडेट को बैच कर देगा। लाइक यहाँ पे इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट फिर इन्वॉल्व हो जाता है कि इवेंट लूप के किस स्टेप पे मैं यूआई को अपडेट करूंगा। तो तुम ऐसे समझ लो कि रिएक्ट इन टर्न्स अपेंड चाइल्ड डिलीट एलिमेंट यही सब करता है बट एफिशिएंटली करता है। अगर वो काम हम खुद से करने बैठेंगे तो वी माइट नॉट बी एबल टू मीट दैट ऑप्टिमाइजेशन लेवल ऑफ रिएक्ट डॉम, ठीक है? तो आई होप कि थोड़ा बहुत तुम्हें क्लियर हुआ होगा। हेलो आई हैव वन मोर क्वेश्चन। यस, सो इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन ए बिग ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, ओके? सो वी हैव लॉट ऑफ एचटीएमएल टैग विद लॉट ऑफ डेटा, सो नाउ वी आर क्रिएटिंग टू वर्चुअल डॉम्स। So every time there is single component where there is a change, right? So it is comparing the DOM and also internal memory bhi bahut occupy ho raha hai. And then if you take this prop drilling and all state changing and then it goes to child and child and child and then it compares it and checks. So instead of all this, sometimes I feel, okay, I have one element where I have to update inner text. There is one simple event, change of text box. I can simply get element by ID, change it. I am not touching anything else. So if I, sometimes I feel if I go through the React components, I have to give some kind of additional attention
that whether my components are re-rendering efficiently, because if there's any component which is heavy component, sometimes I end up recalculating and re-rendering and finally comparing DOM, then it goes to the rendering, right? Actual rendering. So I'm very confused that I can achieve this directly with document relevant value. So I answered the same thing, like if you do that using like document.getElementById, you will achieve the same thing, but you will miss the optimizations that React does for you. So the direct DOM updates are like not that much easy for the browser. So for example, you simply did document.getElementById, but what if browser was doing some task? What if your update didn't get chance to get executed immediately? So then you have to take care of all those things. And what if like you are updating elements in a loop? Okay, so React DOM offers you a like a optimized way of adding or updating elements to the browser. So sare kaam you can do it by yourself, but like not that efficiently. Just like you can prepare your food, it doesn't mean you can prepare better than your mom, right? So this is the like takeaway, that you can do it by yourself, but you won't be able to meet the optimization level of React that it does before updating the UI. Okay, because What is the cost you are paying for it? Is it that sometimes my components are so heavy, I have to keep additional stress to see this re-rendering is happening properly or not? Okay, so what you want to check, agar component acche se re-render ho rahe ya nahi? Imagine that there is a DB calculation that is happening, okay, in my fetch or something. So there is a prop rendering that's happening. I have a main state, and once I just pass it to 10 child components. So in the parent, there is a change of state, and because of this, the child components also re-rendering. Somewhere I felt that this is actually taking more time. So what is the cost I'm paying? That instead of, I mean, if I'm comparing that this is efficient. Okay. No, see, all, matlab, jo bhi, you understand Hindi, right, or not? Yeah, I understand. So, see, जो भी अपडेट्स होते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? जो मैंने बोला कि अभी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हमारे पास बस 10 से 12 मिलीसेकंड्स होते हैं किसी टास्क को करने के लिए, ठीक है? अब नो मैटर व्हाट, तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो जावास्क्रिप्ट का, सॉरी रिएक्ट का जो एल्गोरिदम है एलिमेंट्स को मैच करने का, वो बहुत फास्ट है, ठीक है? हम उस पर डाउट नहीं कर सकते हैं। तुम्हें अपने कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर तुम्हारे पास 10,000 ऑब्जेक्ट्स हैं एक एरे में, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम चेक करो कि जो कैलकुलेशन है अगर वो इस टाइम से ज्यादा हो रही है, तब तुम्हारे इस कोड में प्रॉब्लम है, और तब तुम्हारी एप्लीकेशन ऑब्वियसली स्लो होगी क्योंकि तुम्हारा कोड ही स्लो है, ठीक है? तो React ने ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन बहुत ही इजी कर रखा है बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम का यूज करके, सो दैट अब ऐसे समझ लो कि अगर तुम्हारे पास दो वर्चुअल डॉम की ट्री है, अगर तुमने कहीं इन बिटवीन कुछ अपडेट किया है, तो React पूरे ट्री को कंपेयर नहीं करता, वो अपने एल्गोरिदम से बस डायरेक्टली उस पार्ट को कंपेयर करेगा जो चेंज हुआ है। तो वो एल्गोरिदम अपने आप में ऑप्टिमाइज्ड है, तुम्हें उस एल्गोरिदम को जज करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी एप्लीकेशन स्लो है, जो कॉस्ट तुम्हें पता करनी है, तो तुम सिंपली लाइक कंसोल का एक मेथड होता है console.time, उसका यूज करके तुम सिंपली चेक कर लो, एक लॉग तुम लगा लो अपने उस फंक्शन के पहले जिसको तुम्हें चेक करना है, और एक लॉग उस फंक्शन कॉल के बाद, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन कितना टाइम ले रहा है। अगर वो टाइम 10-12 के आसपास भी है, तो भाई तुम्हें उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन।
हेलो तो मेरे पास एक क्वेश्चन और है। सपोज हम एक जावास्क्रिप्ट में एप्लीकेशन बना रहे हैं और वो 10 सेकंड 10 से 5 सेकंड लेती है, मतलब प्रिंटर हूँ और सेम कोड में लिखता हूँ, मतलब जो भी मेरा कोड है, सपोज करो कि मैंने बिल्कुल बेकार कोड लिखा है और काफी टाइम ले रहा है और सेम कोड में लिखता हूँ रिएक्ट वीएस के अंदर, तो जब रेंडर होगा तो क्या दोनों में डिफरेंस आएगा या फिर सेम टाइम लेगा मतलब अपडेट होने में? मेरे जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो माइट भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करे, ठीक है। अब इसका जो रीजन है, मान लो तुमने जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो बहुत खराब है, बट जब रिएक्ट यूआई अपडेट करेगा, ठीक है, तो वो अपने कुछ स्पेशल एल्गोरिदम का यूज करके राइट टाइम में यूआई अपडेट करेगा और राइट मैनर में यूआई अपडेट करेगा, सो यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस। अब वो डिफरेंस मिली सेकेंड्स में भी हो सकता है, सेकेंड्स में भी हो सकता है, बेस्ड ऑन कि भाई तुम्हारा साइज क्या है, तुम मतलब क्या कर रहे हो, वो तो फिर तुम्हें खुद ही लॉग्स वगैरह लगा के चेक करने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, लाइक आई थिंक इस ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, लाइक कि दो वर्चुअल डॉम होते हैं और पहले कंपैरिजन होता है, फिर यूआई अपडेट होते हैं, रेंडर और कमिट फेज क्या है, राइट? यस ऑल क्लियर सर। एक बार एफपीएस वाला बता दो एक बार फिर से। यार बेसिकली देखो जो यूआई अपडेट्स होते हैं ना वो 60 फ्रेम पर सेकंड अपडेट होते हैं, इन शॉर्ट एक सेकंड में तुम्हारा जो यूआई है वो 60 बार रिफ्रेश होता है, ठीक है, ये क्लियर है? तभी रिफ्रेश होगा तब हम कुछ चेंज करेंगे? नहीं, अपने आप रिफ्रेश होता रहता है यार। तुम ये क्या बोलते हैं, ब्राउज जो मॉनिटर वगैरह है ये सब अपने आप रिफ्रेश होते रहते हैं। रिफ्रेश का मतलब ये नहीं कि लाइक कोई उनको रिफ्रेश कर रहा है जाके, ये पिक्सेल्स होते हैं, राइट? पिक्सेल्स ऑन ऑफ होते रहते हैं, तो कोई तुम्हें कुछ करने की जरूरत, तुम अगर माउस को तुम हिलाओगे भी नहीं तब भी हर 60 लाइक हर सेकंड एक बार तुम्हारा फ्रेम अपडेट होगा, ठीक है, वो बेसिकली लाइक मूवी की तरह। हां कि हर एक पिक्चर्स मूव होती रहती है तो फिर वो एक मूवमेंट दिखता है। हां तो ब्राउजर वो करता रहता है। अब आजकल के ब्राउजर बहुत ही स्मार्ट इनफ है, लाइक मे बी वो ना कर रहे हो, ठीक है, लाइक अगर तुम कोई एक्शन नहीं कर रहे हो तो वो नहीं कर रहे होंगे, तो बट 60 फ्रेम्स पर सेकंड अपडेट होते हैं और अगर तुम उसको ब्रेक करो और तो एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, इसका मतलब है कि हर 16 मिली सेकंड में एक बार तुम्हारा फ्रेम रिफ्रेश होता है, तो अगर तुम इस 16 से कैलकुलेट करो कि तुम्हें कितना टाइम मिलता है कोई काम करने के लिए, तो वो निकल के आता है 10 से 12, क्योंकि 4 से 5 मिली सेकंड ब्राउजर कुछ करता होगा। अब ऐसे समझ लो कि ये जॉब है, जैसे तुमने किसी आदमी को एक जॉब दे दी कि तुम्हारा काम है हर 16 मिली सेकंड में उस दुकान से जाके सामान लाना, ठीक है, अब तुम उसको चाहे कुछ बोलो ना बोलो, तुमने उसको जॉब दे दी है, पैसे दे दिए हैं, वो हर 16 मिली सेकंड में खड़ा होगा, दुकान पे जाएगा, सामान लेके आएगा। अब जब वो सामान लेके आ गया है तो 16 मिली सेकंड वेट करेगा, अब उस तुम्हारे पास बस 16 मिली सेकंड है कुछ और काम करने को या लाइक कुछ और कर लो, क्योंकि अगर तुम उस 16 मिली सेकंड में कुछ नहीं कर पाओगे तो वो बंदा फिर से चला जाएगा लाइक सामान लेने। अगर तुम लाइक उसको अगर जो सामान लेने जा रहा है तुमने उसको रोक लिया तो तुम्हारा सामान आने में डिले हो जाएगा, और यूआई के टर्म में क्या होगा, तुम देखते होगे कि कोई एप्लीकेशन का एनिमेशन रुक रुक के चलता है, ठीक है, और कभी कभी चीजें फ्रीज हो जाती हैं, तो वो फ्रीज इसी वजह से होती है कि ब्राउजर तो चाह रहा है यूआई को अपडेट करना बट जावास्क्रिप्ट ही एग्जीक्यूट हुए जा रहे हैं तो मुझे चांस ही नहीं मिल रहा यूआई अपडेट करने का, और जो ब्राउजर है उनको बस एक ही गोल दिया गया है कि भाई तुम्हें जल्दी से जल्दी फाइनल स्टेट में मूव करना है। फाइनल स्टेट मतलब अगर तुम एक लोडर है वो घूम रहा है, अगर बाई चांस एक बार वो घूम नहीं पाया, तुमने कुछ जावास्क्रिप्ट का काम किया, तो जब उसे चांस मिलेगा अपडेट होने का तो वो बीच के फ्रेम्स को स्किप कर देगा, वो सीधे लास्ट में लास्ट वाला फ्रेम दिखाएगा,
तो ठीक है, तो ये पूरी भाई स्टोरी है 60 फ्रेम मिली सेकेंड, 60 फ्रेम पर सेकेंड की। अगर कभी तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन कोई करना होगा तो तुम सबसे पहले यही चेक करोगे कि तुम्हारा जो कोड है क्या वो 10 से 12 मिलीसेकंड से ज्यादा जा रहा है। अगर वो 6 भी है 7 भी है तब भी वो बहुत स्लो है, ठीक है, तो तुम्हें फिर उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत और ये कहाँ से चेक करेंगे सर हम? है। सिंपली कंसोल डॉट टाइम या ओके सिंपली डेट टाइम निकाल लो और फंक्शन से पहले जो टाइम है वो कंसोल कर लो और जो टाइम कंसोल के बाद है उसको कंसोल कर लो। ये देखो ऐसे कंसोल डॉट, एक टाइम एक कंसोल ऊपर लगाना है, एक नीचे लगाना है, और दोनों के हाँ साथ दैट्स इट। जैसे इसे मैंने स्टार्ट नाम, ये कुछ भी नाम दे सकते हो, इसे मैं ओ नाम दे देता हूँ और यहाँ पे वाइल वेर आई इज इक्वल टू 1 टिल आई इज लेस देन, और यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये लॉग नहीं हो रहा। इसको मैं रिएक्ट पे रन करता हूँ। कंसोल डॉट एंड टाइम शायद। नहीं, एंड टाइम होता है अगर तुम्हें वो टाइमर बंद करना है। कोई नहीं, इधर पता चल जाएगा अगर कुछ एरर होगी तो। अच्छा सॉरी, बताओ क्या मिस्टेक है इसमें। I++ हाँ मैंने आई प्लस प्लस ही नहीं किया, वो इनफाइनाइट लूप हो गया। अच्छा ठीक है, ये देखो तो इसने इतना टाइम लिया एमएस का। अगर मैं 0 2 0 बढ़ा दूं तो देखो टाइम टाइम भी बढ़ गया। तो तुम्हें बस इस टाइम को वॉच आउट करना है, दैट्स इट। ठीक है, ओके सो हमने पढ़ लिया रिएक्ट इतनी पॉपुलर क्यों है और वर्चुअल डॉम, रेंडर फेज, कमिट फेज। अब आते हैं जेएसएक्स पे। तो जेएसएक्स आई थिंक सभी ने यूज किया होगा, राइट? या जेएसएक्स बताने की जरूरत है, बताओ बताओ गाइस। है तो हाँ बता सकते हो। ठीक है, चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली जेएसएक्स इज व्हाट, लाइक जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। ये बस एक एक्सटेंशन है, समझ लो एचटीएमएल फाइल्स का, ठीक है। और जेएसएक्स हमें अलाउ करता है जावा स्क्रिप्ट में एचटीएमएल लिखने के लिए। अब इसका बेनिफिट क्या है, हम क्यों जेएसएक्स यूज करें? सो बेसिकली रिएक्ट से पहले क्या होता था कि हमारे पास सेपरेट सेपरेट फाइल्स होती थी। एचटीएमएल की फाइल अलग, जावा स्क्रिप्ट की फाइल अलग, CSS की फाइल अलग। अब JSX का यूज करके हम इन तीनों को ही एक साथ लिख सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे ये div बनाया हुआ है, ये एक JSX है, ठीक है। JavaScript like syntax, जो कि HTML से थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर हम HTML के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यहाँ पे कैमल केस में लिखे जाते हैं। लाइक HTML में जैसे मुझे अगर लिखना होता है टैब इंडेक्स तो हम स्मॉल केस में लिखते हैं, बट यहाँ पे सारी चीजें कैमल केसिंग में होती है। बस एक ऐसी चीज है जो एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स के जैसे होती है, वो है एरिया एट्रीब्यूट्स। लाइक जो एरिया लेबल वगैरह होते हैं वो हिस्टोरिकल रीजन की वजह से अभी भी जैसे हम एचटीएमएल में यूज करते थे वैसे हैं, बट एरिया लेबल के अलावा एचटीएमएल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं अगर हम उन्हें जेएसएक्स में यूज करेंगे तो कैमल केसिंग का यूज करके करेंगे, ठीक है। ये रूल नंबर 1 है। सेकंड, मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टाइल भी पास कर सकता हूँ और ये स्टाइल एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में मैं सिंपली अपनी कोई भी सीएसएस लिख सकता हूँ, और अगर उस सीएसएस प्रॉपर्टी के बीच में डैश है तो यहाँ पे सिंपली मुझे कैमल केसिंग देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर डैश रेडियस हम लिखते हैं सीएसएस में, बट यहाँ पे ये होगा बॉर्डर रेडियस और यहाँ पे जो भी मैं रेडियस देना चाहता हूँ पिक्सल, ठीक है। और जेएसएक्स का बेनिफिट यह है कि देखो इसने एचटीएमएल को कंबाइन कर दिया, सीएसएस को कंबाइन कर दिया,
और ये जावास्क्रिप्ट को भी कंबाइन कर देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस जेएसएक्स के बीच में जावास्क्रिप्ट का कोई वेरिएबल चाहिए तो मैं सिंपली कर्ली ब्रेस का यूज करके उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा. फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू हेलो. अगर इस नेम को मुझे यूज करना है तो सिंपली कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज और बीच में मेरे वेरिएबल का नाम. और यहाँ पे मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल के अलावा अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं कंसोल डॉट लॉग भी ऐड कर सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखो कंसोल हो गया. तो ये डिबगिंग पर्पस के लिए बहुत ही इजी होता है. अगर तुम्हें कभी चेक करना है कि यार ये एलिमेंट में डेटा है यूआई पे नहीं दिख रहा तो तुम सिंपली उस एलिमेंट के ऊपर कंसोल लगा दो. ठीक है, और यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी. ये सिंपली जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन का ब्लॉक है. यहाँ पे सिंपली एक इफ ही बना लो उसको डिबग विद जावास्क्रिप्ट की तरह से कर सकते हो. हाँ डिबग विद जावास्क्रिप्ट की तरह से तुम कर सकते हो. अब ठीक है, ये सिंपली इतना ही है जेएसएक्स लाइक कि ये जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है, एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट फाइल का. और ये हमें एक एबिलिटी देता है जावास्क्रिप्ट सीएसएस और एचटीएमएल फाइल्स को एक साथ लिखने के लिए, सो दैट सारा चीज एक ही जगह रहे और मैनेज करना इजी हो जाए. और क्या ये कंपलसरी है कि तुम जेएसएक्स को रिएक्ट के साथ यूज करो? तो जी नहीं, जरूरी नहीं है कि तुम जेएसएक्स को, मतलब अगर तुम रिएक्ट पे काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं तुम जेएसएक्स यूज करो. रिएक्ट में एक रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड होता है, तुम डायरेक्टली उसको भी यूज कर सकते हो, बट वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है. तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम जेएसएक्स यूज करते हैं. रिएक्ट के अलावा व्यू में यूज कर सकते हो, किसी भी लाइब्रेरी में यूज कर सकते हो. ऐसे समझ लो जेएसएक्स इज जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी. ठीक है, ये बस एक एक्सटेंशन है जिसको तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो. तो ऐसा मत सोचना कि ये बस रिएक्ट के लिए अवेलेबल है, ये हर लैंग्वेज के लिए अवेलेबल है. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो हमें जेएसएक्स यूज करते टाइम फॉलो करना है वो ये कि जो जेएसएक्स होता है वो हमेशा एक रूट एलिमेंट रिटर्न करता है. यहाँ पे मैं एक डिव रिटर्न कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे दो डिव नहीं रिटर्न कर सकता. ठीक है, ये एक इनवैलिड जेएसएक्स है. मुझे हमेशा एक पैरेंट कंटेनर चाहिए ही चाहिए. ये सबको पता था या नहीं? पता था सर, फ्रैगमेंट. हाँ, तो अगर कभी हमें ऐसा करना है तो हम फ्रैगमेंट्स यूज करेंगे. ठीक है, तो गाइस अगेन सिर्फ एक ने बोला क्या कि सबको, मतलब किसके लिए ये चीज नहीं थी? No, we know that. मतलब बेसिकली अगर हमें दो एलिमेंट भी पास करना है तो हम ब्रैकेट ओपन एंड ओवर करके भी है ना उसको. हाँ. दो एलिमेंट्स को रैप करके उसमें कर सकते हैं. अब मेरा एक क्वेश्चन है. ठीक है, अगर ये बात सबको पता थी तो मुझे बताओ कि ऐसा ऐसा क्यों, ये रूल क्यों है? और रूट एलिमेंट नहीं, रूट एलिमेंट क्या? It always creates one root element. हाँ, but why? अगर मैं ऐसे भेज दूँ, वो rule है, create हाँ. नहीं करता, return करता है, right? Yes. This is a return statement. It doesn't create anything. It just returns. ठीक है? तो my question is why? Why ये rule क्यों है कि मुझे wrap करना ही है? बताओ. मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ. तो नहीं, नोड और नहीं, लाइक नोड और दैट इज कम्प्लीटली फाइन. और कुछ सोचो आप. फॉर एग्जाम्पल रूट क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर एलिमेंट्स है, एलआई एलिमेंट्स. तो जो हमने जो इसके पहले पढ़ा था कि रेंडरिंग और कमिट फेजेस जो वर्चुअल डॉग के रिलेटेड है, सो इट विल बी इजी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट
तो जो होते हैं ना कि स्टेप्स होते हैं वो एल्गोरिदम परफेक्टली चलने के लिए। इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है ना भाई. मैं सिर्फ अभी जेएसएक्स की बात कर रहा हूँ. क्या मैंने रिएक्ट बोला क्या? जेएसएक्स को हम रिएक्ट के बाहर भी यूज कर सकते हैं. मैंने सिंपली ये कोड को कॉपी किया और जेएस लाइक व्हाट जेएस फिडिल, मैं कहीं पे भी जेएसएक्स यूज कर सकता हूँ. ये मेरी प्योर जावास्क्रिप्ट है. कॉन्स्ट जेएसएक्स यहाँ पास कर दिया ना. यहाँ पे रिएक्ट है ना, वर्चुअल डॉम है, कुछ नहीं है. अब बताओ ये रूल क्यों, ऐसा रिएक्ट ऐसा रूल क्यों है कि मुझे एक रूट एलिमेंट चाहिए ही चाहिए. बिकॉज़ वो रैप करता है एक पुशिंग एलिमेंट में। द देयर टू ठीक है भाई, गाइस चलो लेट्स क्रिएट। नॉट स्ट्रेच इट. हाँ अरे का हमें लेट्स एलिमेंट क्रिएट करें, हाँ दैट इज दैट डिजाइन फिलोसफी। हाँ बट हाँ ठीक है, वो तो अलग चीज है ना. ठीक है लेट्स नॉट स्ट्रेच इट, लेट मी सिंपली आंसर इट. कैन आई ट्राई वंस? हाँ मतलब अल्टीमेटली जो भी मतलब इस कंपोनेंट से रिटर्न होगा उसका एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनना चाहिए. मतलब परफेक्ट परफेक्ट. आई होप तुमने गूगल ना किया हो. नहीं, हाँ नॉट बिकॉज ऑफ दैट. मैं पोस्टमैन से जब एक सिंगल ऑब्जेक्ट भेजता हूँ या तो मुझे एरे भेजना हाँ पड़ता है या तो पूरा एक ऑब्जेक्ट में रैप करके यस भेजना यस. पड़ता है. तो देखो गाइस, जब भी क्वेश्चन हो ना भाई, पे अटेंशन टू क्वेश्चन. जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बोला, अगर तुम्हें कोई चीज नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है. तुम ट्राई कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बट ट्राई करने का भी एक डायरेक्शन होता है, ठीक है. मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा था जेएसएक्स के लिए कि भाई ऐसा रूल क्यों है. और मैं पहले 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ कि भाई जेएसएक्स का रिएक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. तो तुम सिर्फ जेएसएक्स के पर्सपेक्टिव से सोचो ना कि लाइक ऐसा क्यों होता है. तो अब जो ये जेएसएक्स है, ये इंटर्न में क्या है, लाइक हम नॉर्मल एचटीएमएल लिखते हैं. और जो जेएसएक्स का काम क्या है, सिंपली जो हमने एक्सएमएल लाइट लाइक स्ट्रक्चर लिखा है, उसको जो भी लाइब्रेरी उसको कंज्यूम कर रही है उसको रिटर्न करना आफ्टर डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. वो कुछ स्ट्रिंग्स या कुछ भी फॉर्मेट में वैल्यू उस लाइब्रेरी को रिटर्न कर रही होगी. अगर मैं रिएक्ट में यूज कर रहा हूँ जेएसएक्स, तो मे बी एक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर व्यू में तो वाई वैल्यू. बट इन टर्न्स जेएसएक्स इज जस्ट लाइक अ फंक्शन जहां पे हमने कुछ कुछ लिखा है, और उस फंक्शन का काम है वैल्यू को रिटर्न करना, ठीक है. अगर मैं एक जेएसएक्स में दो एलिमेंट को रिटर्न करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं दो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूं. तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं किसी फंक्शन में दो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता हूं? क्या ऐसा पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट में? नो तो इस रीजन की वजह से ये रूल है कि भाई जेएसएक्स हमेशा एक एलिमेंट को रिटर्न करेगा. अगर तुम्हें मल्टीपल करने हैं तो प्लीज रैप इट इनसाइड अ फ्रैगमेंट सो दैट वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है. तो ये इस रीजन की वजह से वो रूल है जिसका कोई डॉम वगैरह से कोई लेना देना नहीं है. इट्स अ प्लेन जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, प्लेन फंक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो ओके ये रीजन है. और अगेन देखो, कोई भी आंसर ट्राई करना इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है. बट ये लगना चाहिए कि तुम ट्राई करना चाह रहे हो, ठीक है. मतलब कुछ कुछ भी नहीं बोलना होता भाई, ठीक है. तो जेएसएक्स क्लियर है राइट? यस इतना ही है जेएसएक्स, सिंपली एक्सएमएल लाइक सिंटेक्स होता है. और मेन पर्पस बस यही है कि हम एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट सीएसएस को एक जगह कंबाइन कर दें सो दैट चीजों को मैनेज करना बहुत इजी हो जाए. और इसके कुछ रूल्स हैं. सबसे पहला रूल यही था कि एक ही रूट एलिमेंट रिटर्न करना चाहिए. दूसरा रूल है कि भाई हमेशा क्लोजिंग टैग होना चाहिए. तुम अगर इसको बंद कर देते हैं, अगर किसी टैग को तुमने ओपन किया है तो हमेशा उसका क्लोजिंग टैग होना चाहिए, ठीक है. कोई भी टैग विदाउट क्लोजिंग नहीं हो सकता, ठीक है. तो ये था जेएसएक्स. अब हम नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स पे. तो कंपोनेंट्स इज जस्ट अ यूआई एंटिटी, ठीक है. रिएक्ट में एक कंपोनेंट यूआई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगेन वेबसाइट में चलते हैं कोई सी भी. अभी यहाँ पे ये जो दिस साइट इज नो लॉन्गर अपडेटेड, ये एक रिएक्ट कंपोनेंट हो सकता है.
अगर तुम अच्छे से कंपोनेंट वाइज काम कर रहे हो तो सिंपली एक टेक्स्ट कंपोनेंट जिसका काम है टेक्स्ट को दिखाना, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि एक कंपोनेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जो कंपोनेंट होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सो देखो, अगर हम किसी दूसरी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं ना, लाइक क्या बोलते हैं, नॉर्मल एचटीएमएल में अगर मुझे बटन क्रिएट करनी है तो मैं सिंपली बटन टैग के अंदर बटन लिख देता हूँ और बटन बन जाती है, तो मैं क्यों फालतू में इतना सारा काम करूँ, ठीक है, ये कंपोनेंट वगैरह क्रिएट करने का। तो इसका रीजन ये है कि अगर मैं एचटीएमएल में काम करूंगा, सिंपली नॉर्मल बटन वगैरह बनाऊंगा, तो भले ही मैं थोड़ा सा कोड लिख के बटन बना लूं, बट फिर उस बटन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे उससे क्लिक पे कुछ काम करना है तो मुझे जावास्क्रिप्ट से उस बटन को गेट करना पड़ेगा, इवेंट लिस्टनर ऐड करो। अगर तुम जावास्क्रिप्ट से इवेंट लिस्टनर ऐड नहीं करोगे तो तुम्हें एचटीएमएल में ही इवेंट लिस्टनर ऐड करने पड़ेंगे, और जब एचटीएमएल में करोगे तो वो फाइल तुम्हारी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो इस वजह से हम सिंपली ये कंपोनेंट्स मैकेनिज्म यूज करते हैं। और रिएक्ट जो पॉपुलर इतना हुई है वो समझ लो इसी कंपोनेंट की वजह से हुई है। पहले के टाइम पे जब मैंने लाइक 2010 11 12 तक जो भी वेबसाइट बनती थी वो सब बनती थी लाइक पहले टेम्पलेट बेस्ड लैंग्वेजेस चलती थी। टेम्पलेट बेस्ड से मतलब है कि एक अलग एचटीएमएल फाइल होती थी और फिर हम उस एचटीएमएल फाइल को जावास्क्रिप्ट से अपडेट करते थे। बहुत ही टीडियस काम था ये करना, ठीक है। एक वेबसाइट है वे बैक मशीन, ठीक है, इस वेबसाइट का यूज करके हम कोई भी वेबसाइट को देख सकते हैं कि वो पहले कैसी थी। मैं अगर यहाँ पे डालूं yahoo.com, जस्ट अ सेकंड गाइज, एक कॉल आ रही है। हेलो, हाँ तो चलते हैं। हाँ, ये जो वेबसाइट है वे बैक मशीन, यहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं कि वो कुछ साल पहले कैसी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा टाइम फ्रेम है कि मैं इस टाइम तक देख सकता हूँ। 2010 में देखते हैं कि yahoo.com कैसा था। ये स्नैपशॉट खोल लेते हैं, एक और खोल लेते हैं, ओपन हो रहा है। तो ये देखो कुछ ऐसा दिखता था 2010 में yahoo.com। अगर मैं इसका सोर्स चेक करूं, ठीक है, ये देखो जावास्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाती थी। स्क्रिप्ट पूरा ये सीएसएस यहाँ पे है, ये पूरी सीएसएस है, और नीचे चलते हैं देखो सारा एचटीएमएल ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं था जिससे हम एचटीएमएल को अलग अलग लिख सकें, ठीक है। रिएक्ट तुम ऐसे समझ लो वरदान था डेवलपर्स के लिए कि इसने कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी थी, छोटे छोटे कंपोनेंट बनाओ और अपना यूआई बना लो। तो उसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया यूआई डेवलपमेंट को, और उस टाइम पे रिएक्ट ही एक इकलौती कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी थी, ठीक है। जो दूसरी लाइब्रेरीज थी एंगुलर जेएस, वो पूरी टेम्पलेट बेस्ड लैंग्वेज थी जहां पे हम एक बड़ी सी फाइल में सेम काम करते थे, एचटीएमएल लिखते थे और इसको अपडेट करते थे। जब रिएक्ट पॉपुलर होना शुरू हो गई तो गूगल की टीम ने क्या किया, एंगुलर जेएस को बंद कर दिया और उन्होंने एंगुलर को स्टार्टिंग से लिखा, और तब हमें एंगुलर 2 मिला, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं रिएक्ट रिलीज डेट, तो 2013 में रिएक्ट आया था और उस टाइम पे कोई भी लैंग्वेज कंपोनेंट बेस्ड लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है। सब सब जो लाइब्रेरी सॉरी लैंग्वेज नहीं लाइब्रेरीज, सारी लाइब्रेरीज टेम्पलेट बेस्ड लाइब्रेरीज थी। और अगर मैं यहाँ पे देखूं एंगुलर 2 रिलीज डेट, तो ये है 2016। रिएक्ट आने के 3 साल बाद एंगुलर 2 आया, उससे पहले एंगुलर 1 था जो कि टेम्पलेट बेस्ड लैंग्वेज था और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, उस पर काम करना इज लाइक मतलब बहुत मुश्किल। मैंने 2015-16 में आई थिंक एंगुलर जेएस पे काम किया था, एक एप्लीकेशन में बग वगैरह फिक्स करने का काम था, बहुत ही ट्रिकी लैंग्वेज थी, लाइक उस पे काम करना बहुत ही मुश्किल था। तो फिर गूगल की टीम ने जब रिएक्ट की पॉपुलैरिटी देखी तो उन्होंने अपना खुद का
कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी निकाली जिसे उन्होंने नाम दिया एंगुलर, एंगुलर टू। ये बिल्कुल इन्होंने स्क्रैच से लिखा, जो एंगुलर वन था उसको तो इन्होंने फिर पूरा बंदी कर दिया, ये एंगुलर जेएस। ये टेम्पलेट बेस्ड लैंग्वेज थी जो बहुत मुश्किल थी। तो ये देखो 2010 में भाई अगर तुम वेब डेवलपमेंट करते तो तुम्हें कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ता, सब कुछ एक ही सिंगल फाइल में रहता था जिसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था, और एक वेबसाइट में करीबन 10-15 जावास्क्रिप्ट की फाइल होती थी जो सिंपल सिंपली एक ही फाइल में पड़ी रहती थी, क्योंकि ना कोई एनपीएम था ना कोई बंडल मैनेजर थे, सब कुछ एक ही फाइल में रहता था। तो जब रिएक्ट आई उसने यूआई को ब्रेक किया, एनपीएम आया तो उसने ये जो तुम्हारे स्क्रिप्ट टैग एक साथ रहते थे उनको ब्रेक किया। तो एंगुलर जेएस सर आई थिंक 2009 में आ गई थी। अच्छा, और उसी टाइम भी एनपीएम वगैरह सब आ गया था। और हाँ। और कंट्रोलर बेस काम होता था इसके अंदर एंगुलर जेएस में। क्या क्या? कंट्रोलर बेस। हाँ हाँ भाई कंट्रोलर बेस्ड, वो बहुत ही ट्रिकी था यार। मतलब तुम्हें अगर जैसे मॉड्यूल वगैरह ऐड करने होते थे, यहाँ पे हम इंपोर्ट वगैरह कर लेते हैं, वहाँ एक डिपेंडेंसी एरे पास करना पड़ता था, और तो थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ठीक है। अभी तो रिएक्ट तो काफी इजी है भाई, काफी इजी। तो ठीक है, ये तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, ये वेबसाइट वेबैक मशीन, जो भी तुम्हारी वेबसाइट है चेक करना, देखना सोर्स कोड वगैरह, तुम्हें पता चलेगा कि पहले कितना टफ था काम करना। वेबसाइट पॉपुलर वेबसाइट कोई रखती है फिर हर कोई रैंडम वेबसाइट जिसका? सारी वेबसाइट, सारी कोई भी बताओ एक लोग, तुम बता दो अपनी कोई भी, सजेस्ट कर दो, चेक कर लेते हैं। textpana.com text text TEXSPANNER spanner। हां ये स्पेलिंग सही है? हाँ, इसने किया तो है भाई, बट इसने शायद 2000 कब से किया है, 2010 से कैप्चर कर रहा है इसको ये। तो तुम अपना मतलब देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ये आउट ऑफ मतलब क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऐसा कुछ था तुम्हारा ये 2010 वर्ष में। हाँ, .NET था, फिर इसको एंगुलर जेएस में कन्वर्ट किया था। हाँ। तो भाई पहले थोड़ा सा ट्रिकी था वेब डेवलपमेंट, अभी तो बहुत इजी है। ठीक है, तो जेएसएक्स अपना कवर हो गया। अब हाँ, कंपोनेंट्स पे थे हम, कि एक कंपोनेंट हमारा यूआई का एंटिटी बताता है, और एक कंपोनेंट के पास ना बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे नहीं करते हम, ऐसे कर लेते हैं कंपोनेंट। एक कंपोनेंट में कई बार हम दूसरे कंपोनेंट्स यूज करते हैं, तो उन कंपोनेंट्स के लिंक्स होते हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंपोर्ट्स, ठीक है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं। उसके अलावा कस्टम लॉजिक, हाँ बताओ, सर्विसेस नहीं, मतलब ठीक है चलो सर्विसेस से लिंक होता है। देखो रिएक्ट में मतलब रिएक्ट क्या कंपोनेंट का एक काम होता है यूआई दिखाना, ठीक है, तो ये जो सर्विसेस वगैरह के काम है ना, ये कंजम्पशन के काम हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंजम्पशन, क्रिएशन का काम कभी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा क्या, जीएसएक्स, ठीक है। तो मेनली एक कंपोनेंट जब हम क्रिएट करते हैं, तो उस कंपोनेंट के पास या तो हम कहीं और से कुछ कंपोनेंट्स यूज करते हैं, या कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करते हैं, और एक कंपोनेंट में कई बार हम अपने खुद के लॉजिक लिखते हैं, वो लॉजिक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपोनेंट में मैं पास कर रहा हूँ एज नंबर 21, और मुझे शो करना है योर एज इज, स्ट्रिंग अपेंड करनी है, तो मैं कुछ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक लिखूंगा,
और मे बी मैं कुछ HTTP सर्विसेज कंज्यूम कर रहा हूँ लाइक गेट पोस्ट, तो वो मैं ट्रिगर करूंगा अपने कॉम्पोनेंट से. और एट द एंड एक कॉम्पोनेंट का काम है हमेशा एक JSX को रिटर्न करना. ठीक है, ये मस्ट है, ये जो चीज है ना, दिस इज अ मस्ट मस्ट. लाइक एक कॉम्पोनेंट हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा. दिस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर मुझे किसी कॉम्पोनेंट से कोई JSX रिटर्न नहीं करनी तो मैं नल रिटर्न करूंगा. ठीक है, नल, बट हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, या तो JSX या तो नल. अगर मैं रिटर्न नहीं करूंगा तो रिएक्ट सिंपली एरर थ्रो कर देगा कि भाई यू मस्ट रिटर्न समथिंग फ्रॉम अ कॉम्पोनेंट. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रॉप्स. तो प्रॉप्स इज नथिंग जस्ट अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, रिएक्ट के टर्म्स में हम प्रॉप्स बोलते हैं. नॉर्मल अगर मुझे किसी फंक्शन में कुछ पास करना होता है तो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं. ठीक है, और रिएक्ट में कॉम्पोनेंट्स होते हैं फंक्शंस की जगह. फंक्शंस इन टर्न्स, सॉरी, कॉम्पोनेंट्स इन टर्न्स फंक्शन ही होते हैं. तो हम एक कॉम्पोनेंट में जो भी चीजें पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट वो प्रॉप्स कहलाती हैं. ठीक है, और जो स्टेट होते हैं, स्टेट आर लाइक डेटा वेरिएबल्स दैट आर लिंक्ड विद अ कॉम्पोनेंट. अगर हमारा स्टेट चेंज होता है तो हम एक रीरेंडर ट्रिगर करते हैं. ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग अ रीरेंडर. और यहां पे ध्यान ये देना कि बस रीरेंडर ट्रिगर करते हैं, दे डजंट गारंटी UI अपडेट. ठीक है, तो फॉर इसको ना अब एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, ऐसे जैसे हाँ ठीक है, मैं यहाँ रिपीट कर सकते हैं, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर UI रेंडर बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताता हूँ इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एक मिनट गाइस. ठीक है, और इसको ये कोड सबको समझ में आ रहा है राइट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है, ये कोड एक बार देख लो, बताओ मुझे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा. यहाँ पे बेसिकली एक बटन है जिसकी क्लिक पे मैं बार बार ये पर्सन स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे हर बार एक नया ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये हर बार एक नया ऑब्जेक्ट सेट हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस पे चलता है. ये क्लियर है राइट सबको? सर एक बार स्टेट एक्सप्लेन करोगे थोड़ी सी? ये हाँ सर, जावास्क्रिप्ट होता है या फिर ग्लोबल वेरिएबल होता है, क्या होता है मतलब? ये दिस इज जस्ट अ फंक्शन जो React उसे इंपोर्ट कर लेते हैं. दिस इज जस्ट अ फंक्शन. ठीक है, दिस जस्ट अ फंक्शन. और कैसा फंक्शन? अ हुक. अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन तुम देखोगे, अगर मैं इसे खुद से इम्प्लीमेंट करूं, फंक्शन यूज स्टेट. ठीक है, ये मैंने फंक्शन बनाया, ये क्या रिसीव करता है? एक इनिशियल वैल्यू. और ये रिटर्न क्या करता है? क्या रिटर्न करता है बताओ? अपडेटेड वैल्यू.
इनिशियल जो भी हाँ, ऑपरेशन। ये दो चीजें रिटर्न करता है, एक तो तुम्हें इनिशियल वैल्यू जो तुम देते हो और एक फंक्शन जिससे तुम इनिशियल वैल्यू को अपडेट करते हो। तो मैं सिंपली एक फंक्शन बना लेता हूँ, अपडेट वैल्यू, ठीक है। और इसका काम क्या है, तुम यहाँ पे कुछ देते हो और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल इज इक्वल टू इनिट वैल्यू, सॉरी वैल्यू, और बस दैट्स इट, यही काम होता है। और यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ और ये फंक्शन रिटर्न कर देता हूँ। अब ये हम कई बार इस यूज स्टेट को कॉल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे तो मैं बस एक ही मतलब वैल्यू तो रिप्लेस हो जाएंगी। तो रिएक्ट इंटरनली क्या एक ग्लोबल स्टेट मेंटेन करके रखता है, लाइक लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे होता क्या है, और कॉन्स्ट स्टेट्स, ये एक एरे होता है। अभी जैसे मैंने इनिशियल वैल्यू दी, तो सिंपली वेरिएबल में असाइन करने की जगह हम सिंपली यहाँ पे ऐसे करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, हाँ हेलो सर, बताओ। हाँ हाँ सर लाइन नंबर 20 में आपने सेट स्टेट लिखा है, इन प्लेस ऑफ सेट स्टेट यूज कर सकते हैं। अरे यार सॉरी, अच्छा ये यूज स्टेट है बॉस, अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया इसको। तो मैं यहाँ पे यूज स्टेट का ही इम्प्लीमेंटेशन बता रहा था कि वो जो सेट स्टेट था यार, वो कुछ नहीं था, मैं यूज स्टेट ही लिखना चाह रहा था, वो जल्दी के चक्कर में सेट स्टेट हो गया, ठीक है। तो अभी अगर तुम यूज स्टेट का देखोगे ना, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कई बार इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, तो कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। सिंपली एक फंक्शन होता है, इनिशियल वैल्यू आती है और हम उस इनिशियल वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, और साथ ही साथ एक फंक्शन जो उस वैल्यू को अपडेट करता है। अब सेकंड जो इसमें चीज ऐड करनी होती है वो ये कि ये जो स्टेट्स होते हैं ना, इसे हमें एरे में मेंटेन करके रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो भी वैल्यू आती है ना, वो हम स्टेट्स में रखते हैं, लाइक सो दैट अगर मैं कई बार इस यूज स्टेट को कॉल करूं तो मेरे पास अलग अलग स्टेट वेरिएबल बनते चले जाएं। और यही रीजन है कि जो हुक है उसे तुम कंडीशनली कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तुमने रूल देखा होगा कि भाई तुम किसी हुक को ऐसे कॉल नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि अगर तुम कंडीशनली कॉल करोगे तो ये जो एरे है इसकी इंडेक्सिंग मैसअप हो जाएगी, क्योंकि मान लो फर्स्ट टाइम तुमने इसको इसको कॉल नहीं किया, तो तुम्हारे एरे में बस 0 1 एलिमेंट बने, मतलब पुश हुए। नेक्स्ट टाइम तुमने इसको भी कॉल कर लिया तो यहाँ पे 0 1 3 एलिमेंट 0 1 2 इंडेक्स बन गया, तो तुम्हारा ये स्टेट वेरिएबल आउट ऑफ सिंक चला जाएगा। इस रीजन की वजह से ये रूल है कि तुम्हें हुक को हमेशा टॉप लेवल पे कॉल करना है, किसी कंडीशन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसको अब नहीं इंप्लीमेंट करते हैं आगे, मैं सिंपली ये बता देता हूँ कि जब हम ये करते ना अपडेट वैल्यू, तो वैल्यू अपडेट करने के बाद रिएक्ट सिंपली क्या करता है, चेक करता है कि भाई प्रीवियस स्टेट लाइक इज प्रीवियस सेम एज नाउ। अगर ऐसा है तो कुछ नहीं करता, और अगर सेम नहीं है तो सिंपली ट्रिगर री रेंडर, एक कोई फंक्शन होगा जो कॉल कर लेता है, दैट्स इट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ आई मे, ये जो आपने इस प्रीवियस लिखा है, ये वैल्यू कहाँ से उठ के आ रही है? इज इट कमिंग फ्रॉम द नो नो, सेकेंड फ्रॉम ऑफ? दिस एरे, फ्रॉम दिस एरे, अच्छा ठीक है। इंडेक्स के बेसिस पे मैं चेक कर रहा हूँ ना कि कौन सा स्टेट वेरिएबल मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो इस अपडेट वैल्यू फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू निकाल लूंगा। वैल्यू इज इक्वल टू ऐसे, प्रीवियस वैल्यू इज इक्वल टू स्टेट्स, और ये जो इंडेक्स है ये क्लोज्ड ओवर होके अंदर ही रहेगा मेरे पास इंडेक्स। तो अब इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम किस इंडेक्स को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो, और ये जो प्रीवियस वैल्यू है इसका कंपैरिजन मैं इस वैल्यू से करूंगा जो तुमने पास की है, दैट्स मतलब इट। व्हाट आई फील इज व्हाई डू यू इवन नीड द इंडेक्स? अगर जो प्रीवियस वैल्यू होगी, अज्यूमिंग कि एरे में हाँ सारी स्टेट्स है, वो लास्ट वैल्यू ही नहीं होगी एरे की? नहीं, अभी तुम मान लो अगर मैंने ये वाला यूज स्टेट कॉल किया, हाँ बीच वाला, तुम कैसे पता करोगे कि मैंने बीच वाला किया है, थर्ड वाला किया है या फर्स्ट वाला किया है? तुम्हें कुछ तो आईडी कुछ तो होना चाहिए ना, जिससे तुम डिफरेंशिएट कर सको कि तुम किस यूज स्टेट को कॉल कर रहे हो या किस वैल्यू को अपडेट कर रहे हो। हम्म
और हर यूज स्टेट में दो एलिमेंट ही पास कर सकते हैं, एक फंक्शन और एक वैल्यू, राइट? नहीं हाँ, मतलब तुम चाहो तो कुछ भी रिटर्न कर दो, दिस इज जस्ट एन एरे। ओके मैंने जो अपना वीडियो लिया, एक सेशन लिया था, उसमें मैंने ये सब हुक इम्प्लीमेंट करके बताए थे, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। ठीक है ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्लियर है राइट, सिंपली एक बटन है जिसके क्लिक पे मैं इस पर्सन स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ, और हर बार एक नया ऑब्जेक्ट मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस पे चलते हैं, तो हर बार इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नया होगा, ये सब सेम पेज में है राइट। तो अभी अगर मैं यूआई पे चलूं और मैं क्लिक व्यू में क्लिक करूं, तो मेरा जो ये कंपोनेंट है ये बार बार रीरेंडर हो रहा होगा राइट। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है लॉग आ रहा है राइट यहाँ पे। ये दो बार क्यों प्रिंट हो रहा है, मतलब वो अगर मैं सही से देख पा रहा हूँ? हाँ, यूज स्ट्रिक्ट मोड की वजह से, यूज स्ट्रिक्ट दो बार कॉल करता है कंपोनेंट्स को। ये अगर स्ट्रिक्ट बोला, स्ट्रिक्ट मोड, सॉरी स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है, अगर मैं इस स्ट्रिक्ट मोड को हटा दूंगा तो ये बस एक ही बार कॉल होगा। ठीक है, ये डेवलपमेंट मोड में इनेबल रहता है, प्रोडक्शन बिल्ड में नहीं रहता। तो हाँ, अभी ये बार बार रिरेंडर हो रहा है, क्या इसका मतलब है मेरा यूआई भी अपडेट हो रहा होगा, बताओ? Not necessarily. No. नहीं क्यों? क्योंकि वर्चुअल डॉन्ग जो कॉपी है वो आपस चेंज नहीं। हाँ, और ये तुम देख भी सकते हो, ठीक है, ये विजुअलाइज भी करा देता हूँ मैं कि कैसे आएगा। जस्ट अ सेकंड, अपने पास एक ऑप्शन होता है देखने का, मोर टूल्स में होता है। रेंडरिंग, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं हम। हाँ अच्छा, सॉरी, नीचे है ये रेंडरिंग, ये रहा। यहाँ पे मैं करता हूँ पेंट फ्लैशिंग, ठीक है, देखो मेरा जो जेएस है वो फ्लैश नहीं, ये सबको फ्लैश दिख रहा है ग्रीन राइट। ठीक है, देखो मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो ये फ्लैश हो रहा है, बट मेरा जेएस, ये मेरा फ्लैश नहीं हो रहा क्योंकि ये अपडेट ही नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूं, सिंपली एक वेरिएबल में बाहर बना ले रहा हूँ, सो दैट जस्ट टू सेव सम टाइम, और यहाँ पे मैं कर दूं लाइक व्हाट, ST++। ये देखो अभी मेरा ये एलिमेंट भी फ्लैश होने लगा, दैट मींस कि अब ये अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो स्टेट अपडेट डजंट मीन कि तुम्हारा यूआई अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर तुम अब तुम्हें देखो, जब भी तुम रिएक्ट पे काम करो तुम्हें दो चीजें, दो दो अलग अलग चीजों को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, नंबर वन JSX, कि तुम्हारा जो JSX है वो ज्यादा बार अपडेट ना हो। ठीक है, ज्यादा बार अपडेट ना हो क्या, कब नहीं होगा, जब तुम्हारा चेंजेस कम होंगे, ये पहला ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा कि तुम्हारा कंपोनेंट, अगर तुम्हें पता है कि भाई ये बार बार कॉल होगा, तो तुम्हें बस इतना मेक श्योर करना है कि कोई हैवी कैलकुलेशन ना हो रही हो बस। अब हैवी कैलकुलेशन क्या क्या कैलकुलेशन होती है, एक ऐसी कैलकुलेशन जो जो मान लो 8 से 10 मिलीसेकंड ले, वो एक हैवी कैलकुलेशन है। या फिर तुम एक तुम्हारे पास एक एरे है जिसमें 10,000 ऑब्जेक्ट्स हैं और तुम उसमें कोई ऑपरेशन कर रहे हो, तो तुम समझ जाओ कि ये हैवी ऑपरेशन है। और ये 10,000 का जो काउंट है वो रिएक्ट के डॉक में है। ठीक है, मैं कोई ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये रिएक्ट खुद ही बोलता है कि अनटिल एंड अनलेस यू आर वर्किंग विद एन एरे विद 10,000 ऑब्जेक्ट्स, You don't have to worry about re-renders, ठीक है? अगर अभी ये मेरा component 10 बार भी re-render हो, like अगर यहाँ पे ये ना होता, ठीक है? और ये हर click पे re-render हो रहा है,
तो एज पर रिएक्ट इट्स कम्प्लीटली फाइन, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई ऑप्टिमाइजेशन करूं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड व्हाट विल हैपन, रिएक्ट को ये क्या मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। एट द एंड रिएक्ट को तो बस ये प्लेन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, राइट, उसको तो बस दो ऑब्जेक्ट कंपेयर करने हैं, तो अगर कंपोनेंट तुम्हारा बार बार रीरेंडर हो रहा है तो हमेशा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस तुम उसमें कोई लूप वूप ना रन कर रहे हो जिसमें 10,000 एलिमेंट हो, तो ये क्लियर है, राइट, कि स्टेट अपडेट्स डजंट मीन अ यूआई अपडेट, गॉट इट, ठीक है। सो कैन यू आल्सो स्पीक अबाउट सिंक्रोनस स्टेट अपडेट्स, बिकॉज़ समटाइम्स वी हर्ड दैट इफ यू अपडेट द स्टेट इमीडिएटली दैट स्टेट विल नॉट चेंज, सॉरी, अच्छा, ओके, हां ठीक है। सो इज इट एप्लीकेबल ओनली फॉर प्रिमिटिव्स और इवन फॉर ऑब्जेक्ट्स? नहीं नहीं, ये तुम मुझे वही कोई ना एग्जांपल देके बताओ, लाइक व्हाट शुड आई डू टू रिप्रोड्यूस दिस, मतलब क्या ये बोलना चाह रहे हो कि जैसे यहाँ पे मैं कर दूँ, यहाँ पे इंटीजर, करेक्ट, इंटीजर, या और इसको थोड़ा रिडीम कर देते हैं सो दैट हम चीजें सेंस मेक करें। अच्छा तुम अब कह रहे हो कि मैंने किया सेट सेट काउंट टू, और अभी अगर मैं यहाँ पे काउंट एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा कुछ? Yeah, so if you say count plus players, okay, so if you access count value, right, it should be 1, 2, 3 like that, but it always shows the previous count value. यहाँ पे line number 12 पे, right? Yeah, exactly. हाँ, so ठीक है, कोई, हाँ guys बताओ कि ऐसा क्यों होता है? Mean I don't exactly understand the question, but हम तो count को update नहीं किया ना, हमने तो count plus one भेजा। नहीं, क्वेश्चन ये है कि काउंट इज अ स्टेट वेरिएबल, राइट, मैंने लाइन नंबर 11 में सेट काउंट फंक्शन कॉल किया टू अपडेट दिस काउंट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस लैंग्वेज, लाइन नंबर, लाइन जब एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ही लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ठीक है, तो जब लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट हो गई, इसका काम क्या है, इस काउंट को अपडेट करना, तो लाइन नंबर 11 ने तो काउंट को अपडेट कर दिया, सो जब मैं लाइन नंबर 12 पे काउंट को गेट कर रहा हूं तो मुझे 1 क्यों नहीं मिलना चाहिए, लाइक 1 मिलना चाहिए, राइट? अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर, क्योंकि वो सेट काउंट असिंक्रोनस रहता है। हाँ, क्या करते हैं? सेट काउंट असिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो इसके वजह से नेक्स्ट लाइन पे डायरेक्टली हमें काउंट का वैल्यू नहीं मिलेगा। राइट, तो बेसिकली ये जो सेट स्टेट होता है ना, ये असिंक्रोनस चलता है, फॉर देखो अब यहीं पे देखो रिएक्ट ने कैसा अपना ऑप्टिमाइजेशन लगा रखा है कि जब उसको सेट काउंट दिखता है तो इमीडिएटली वैल्यू को अपडेट नहीं करता, वो अपने इंटरनल्स में कोई डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलता होगा, लाइक फॉर एग्जांपल टू अपडेट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट नीड टू अपडेट, ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें ये रखता होगा, लाइक से इसे एरेज बना लेते हैं, ज्यादा इजी होगा, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट करके कुछ होता होगा जिसमें हर ऑब्जेक्ट मेंटेन करके रखता होगा क्या अपडेट करना है, ठीक है, और ये होगा तुम्हारा काउंट, ठीक है, रेफरेंस ऑफ काउंट, और नई वैल्यू क्या है, ठीक है, अब नई वैल्यू क्या है तुम्हारी 2, ठीक है, अभी इस लाइन के बाद इसने बस ये ऑब्जेक्ट, इसने बस ये किया है, नीड टू अपडेट एक एरे है समवेयर इन रिएक्ट, ठीक है, जो तुम्हें नहीं दिख रहा, इस लाइन पे बस वो यही कर रहा है, लाइक नीड टू अपडेट डॉट पुश, उसने बस अपने पास ट्रैक रख लिया, ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पे कई सारे सेट काउंट हो सकते हैं,
ठीक है, अगर रिएक्ट हर सेट काउंट में वैल्यू को अपडेट करेगा तो फिर उसे हर बार रीरेंडर कॉल करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जैसे ही सेट स्टेट कॉल इस सेट काउंट मेथड को कॉल करेगा, अभी हमने देखा ऊपर राइट, जो हमने खुद से फंक्शन बनाया था कि हर अपडेट के बाद रिएक्ट रीरेंडर ट्रिगर करता है, तो फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 रीरेंडर ट्रिगर हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट रिएक्ट सिंपली मेंटेन्स अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसमें बस वो कीप, मतलब कीप ट्रैकिंग की भाई क्या अपडेट करना है क्या अपडेट करना है। तो यहां पर सिंपली इसमें हम सेव कर लेंगे, और जब ये हैंडल क्लिप फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिएक्ट इमीडिएटली नहीं अपडेट करेगा, रिएक्ट विल चेक कि भाई क्या सही टाइम है, क्या क्या ब्राउजर आइडियल है, क्या मेरे पास कोई और काम है या नहीं, और फिर वो सेट काउंट फंक्शन में जो वैल्यू ने पास की है वो अपडेट करेगा, ठीक है। इसी रीजन की वजह से हम यूज इफेक्ट वगैरह यूज करते हैं कि जब वैल्यू चेंज हो तो मुझे चेंज्ड वैल्यू मिल जाए, या मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास करता हूँ एज एन लाइक आर्ग्यूमेंट, और हम उस फंक्शन में फिर वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आया है कि यहाँ पे मैंने कितनी बार सेट काउंट को कॉल किया है? 4 बार। तो हाँ, तो अब बताओ यहाँ पे मैं चलो इसको वो कर देता हूँ काउंट, ठीक है, ओके। अब बताओ अगर मैं बटन पे एक बार क्लिक करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, 1 या 5? अगर एसिंक्रोनस है तो यू कांट कमेंट ऑन इट। और भाई कोड तुम्हारे सामने है, ठीक है, कोई एसिंक्रोनस सब कोड तुम्हारे सामने है, ठीक है, बस मुझे नंबर बताओ। 1 5 5 5 वाले कितने हैं बॉस? ठीक है, 5 और 1 बोल रहे हो ना, मेरे हिसाब से तो 1 होना चाहिए, बट लेट्स सी, ठीक है, आई एम विद 1, ठीक है, लेट्स सी, 1 आया। अब बताओ 1 वाले 1 क्यों आया? सर क्योंकि वो असिंक्रोनस ऑपरेशन है, और यहाँ पे मतलब सेकेंड सेट काउंट में और उसके बाद जो काउंट का जो वैल्यू है वो 0 ही रहेगा, क्योंकि काउंट का वैल्यू अपडेट नहीं हुआ है। हाँ, तो अगर देखो इसको सिंपल में मैं और तुम समझो, तो मैंने अभी देखो एग्जांपल ऊपर जो बताया था, ये वाला रिएक्ट तुरंत नहीं अपडेट करता ना वैल्यू को, वो क्या करेगा जैसे ही सेट काउंट मिला उसने एरे में पुश कर दिया क्या अपडेट करना है काउंट, क्या नई वैल्यू है 2, ठीक है। अब उसे लाइन नंबर 14 दिखी, उसने अगेन नीड टू पुश में क्या अपडेट करना है काउंट, नई वैल्यू क्या है 2, ठीक है, सेम काम हर जगह करेगा वो, और इस वजह से अपने को बस 1 ही मिला, ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, मैं कैसे इस कोड को चेंज करूं कि मुझे 5 दिखे? सो आई थिंक एक अलग वेरिएबल में हमें उसको इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा 5 टाइम, और फिर बाद में उसे सेट काउंट में एक बार पास करें। दिस कैन बी अ वन सॉल्यूशन, क्योंकि सेट काउंट आई थिंक वेरिएबल को अपडेट करने का ही खाली काम कर रहा है वहां पे। ठीक है, ठीक है, दिस कैन बी अ सॉल्यूशन, ठीक है, और किसी को कुछ लगता है? सर अगर हम प्रीवियस काउंट ट्रैक रखें तो फिर मतलब हाँ, वो यही हो गया ना? नहीं सर जी, मतलब जो सेट काउंट में ही जो काउंट प्लस 1 कर रहे हैं उससे अच्छा मतलब एक एनोनिमस फंक्शन ले या फिर एक एरो फंक्शन ले सेट काउंट में, और उसमें प्रीवियस काउंट नाम का एक वेरिएबल ले और उसको प्रीवियस काउंट प्लस 1 करेंगे तो फिर उससे हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, देखो दिस कैन बी अ वन सॉल्यूशन, ठीक है, अगर तुम कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा तो दिस कैन बी अ, बट जो दूसरा जो रिकमेंडेड सॉल्यूशन है वो जो अभी इस भाई ने बताया, बेसिकली सेट जो ये सेटर फंक्शन होते हैं हम 2 तरीके से वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, एक या तो मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूं या तो मैं यहाँ पे फंक्शन पास करूं, ठीक है। एक मिनट गाइस, एक कॉल आ रही है।
ठीक है, तो जो सेटर फंक्शन होते हैं वहां हम दो तरीके से वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, एक या तो मैं वैल्यू पास करूं, दूसरा या तो मैं एक फंक्शन एज एन कॉल बैक पास करूं, और जब ये फंक्शन कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा तो जो भी वैल्यू है मुझे प्रीवियस वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब ये जो प्रीवियस वैल्यू है मुझे सिंपली यहां से रिटर्न कर देनी है, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ प्रीवियस वैल्यू प्लस वन, और अगर अभी मैं इसको 5 बार कॉल करूंगा तो देखोगे मुझे 5 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब सेट काउंट ये एग्जीक्यूट होगा तो अब नीड टू अपडेट में क्या सेव करेगा, क्या अपडेट करना है काउंट, और कैसे अपडेट करना, इस बार नई वैल्यू ये नहीं रखेगा, ठीक है, क्योंकि सेट काउंट जिसने इंप्लीमेंट किया, सॉरी जो ये यूज स्टेट का इंप्लीमेंटेशन है उसमें जो सेटर फंक्शन है उसमें कुछ ऐसा चेक लगा होगा, इफ टाइप ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन देन डू दिस अदरवाइज डू दिस, ठीक है। तो अभी मैंने फंक्शन पास किया है तो क्या अपडेट करना है काउंट, इंस्टेड ऑफ नई वैल्यू अब यहां पे की आएगी कैसे अपडेट करना है, कैसे अपडेट करना है, ठीक है। और ये होगा तुम्हारा ये कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो अब जब क्या बोलते हैं मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हैंडल क्लिक, ये जो सेट काउंट है जब भी ये कॉल होगा तो ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और इस फंक्शन का काम है प्रीवियस वैल्यू को लेके आना, ठीक है। तो अब सारे फंक्शन कॉल हमेशा प्रीवियस वैल्यू को लेके आएंगे, और जब प्रीवियस वैल्यू को लेने जाएंगे तो उन्हें हमेशा अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। तो अभी अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे मुझे क्या हुआ, ठीक है, 5 में देखने को मिल रहा है। ये तरीका क्या नहीं यूज किया था क्या कभी, हाँ हेलो, नहीं, ठीक है। तो बेसिकली देखो सेटर फंक्शन में हम दो तरीके से वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली वैल्यू पास करने का, दूसरा हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं, और जब वो कॉल बैक फंक्शन पास होगा तो हमेशा हमें प्रीवियस वैल्यू मिलेगी, और इस कॉल बैक फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमेशा एक नई वैल्यू को रिटर्न करे, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है तो अभी फॉर एग्जांपल अगर कभी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे वैल्यू को अपडेट करने से पहले कोई काम करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे कर सकता हूँ लाइक डू एनीथिंग, ठीक है, और जब डू एनीथिंग सारा हो जाए तो मैं सिंपली नई वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है स्टेट को अपडेट करने का, ये हम तब प्रिफर करते हैं जब हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि भाई हमारी प्रीवियस स्टेट नेक्स्ट स्टेट पे डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल कि मुझे नई वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस वैल्यू चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस केस में मुझे नया काउंट अपडेट करने से पहले प्रीवियस काउंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम देखो टाइम आउट के साथ बहुत अच्छे से मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। हैंडल क्लिक में मैं एक काम करता हूँ, सेट टाइम आउट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें एक मैं सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देता हूँ और इसको हर एक सेकंड में कॉल कर लेते हैं, और मेरा काम है सिंपली सेट काउंट को कॉल करना, और काउंट प्लस वन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको सेट टाइम आउट की जगह सेट इंटरवल कर देता हूँ, और ठीक है। अब ये हर सेकंड में मेरे वैल्यूएबल काउंट को अपडेट करेगा, और इसको रन करते हैं। तो बताओ सबसे पहले रन करने से पहले क्या मुझे यूआई पे हर सेकंड में अपडेटेड वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, सबसे पहले तो ये बताओ। इनिशियल वैल्यू मिलेगी, राइट, ठीक है, ये कैंसर ही आया, नहीं मिलेगी, हाँ
नहीं मिलेगी। ठीक है चलो चलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैं कंसोल लगा देता हूँ। सॉरी क्लिक ही नहीं किया था। ठीक है तो देखो न्यू वैल्यू बार बार कॉल हो रहा है बट मुझे अभी भी प्रीवियस वैल्यू मिल रही है, तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ स्टेल क्लोजर्स। ठीक है स्टेल क्लोजर पे भी मैंने मतलब एक वीडियो में बनाया था कि व्हाट इज क्लोजर, तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो एक फंक्शन होता है उसका जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो गया, ठीक है, बट अभी भी मेरे पास उस पुराने ही फंक्शन का रेफरेंस पड़ा हुआ है। इसको ऐसे समझो मैंने क्या किया, ये जो ऐप कंपोनेंट है ये एक फंक्शन है, ठीक है, मैंने जैसे ही हैंडल क्लिक पे कॉल किया एक सेट इंटरवल सेट हो गया। ठीक है अब वो जो सेट इंटरवल सेट हुआ है उसने क्या किया, सेट काउंट को कॉल किया जो कि है मेरा ये वाला सेट काउंट, और सिंपली जो मेरी काउंट की वैल्यू है जो है जीरो उसको कंसोल कर दिया। ठीक है अब मैंने सेट काउंट को जब कॉल किया मेरी एप्लीकेशन रीरेंडर हुई और एक ब्रांड न्यू फंक्शन क्रिएट हुआ, ऐप का ये वाला जो था ये डिस्कार्ड हो गया, एक नया ही कंपोनेंट क्रिएट हुआ। ठीक है अब नया कंपोनेंट तो क्रिएट हो गया बट ये जो सेट इंटरवल फंक्शन है ये अभी भी पुराने फंक्शन के सेट काउंट को पकड़ के बैठा हुआ है। ठीक है तो ये जो बार बार अपडेट कर रहा है ये पुराने ऐप कंपोनेंट के काउंट को अपडेट कर रहा है। ठीक है तो जो नया फंक्शन बना है ये उसको अपडेट नहीं कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम को मैं फिक्स कर सकता हूँ, लाइक यहाँ पे हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, या तो यूज रेफ या तो मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकता हूँ। ठीक है यहाँ पे मुझे प्रीवियस काउंट मिलेगा, और व्हाट लाइक बताओ क्या करूं मैं यहाँ पे प्रीवियस काउंट प्लस वन। हाँ ठीक है और ये काउंट तो अभी भी पुराना ही रहेगा लाइक क्योंकि ये हमेशा इसी काउंट को रेफर कर रहा होगा, तो इसको भी मतलब ये देखते हैं इसका बिहेवियर, क्लिक करते हैं। ठीक है तो अभी देखो मेरा यूआई अपडेट हो रहा है, तो इस वजह से हम कॉल बैक वाला फंक्शन प्रीफर करते हैं, सो दैट अगर मेरा कंपोनेंट रीरेंडर हो तो हमने इंटरवल या टाइम आउट में जो भी फंक्शन पास किया हो वो हमेशा अपडेटेड वैल्यू को ही पॉइंट करे, ना कि प्रिजर्व्ड वैल्यूज को। ठीक है सर कैन वी यूज यूज इफेक्ट लाइक, नहीं तुम कुछ भी यूज कर लो, अगर तुमने कॉल अगर तुमने टाइमर्स यूज किया है, ठीक है अगर टाइमर्स में जो फंक्शन पास कर रहे हो उसको तुम अपडेट नहीं कर रहे हो तो तुम्हें हमेशा प्रीवियस वैल्यू ही मिलेगी। यूज इफेक्ट में फिर तुम्हें देखो जो तुम बोल रहे हो यूज इफेक्ट में तुम्हें इस इंटरवल को क्लियर करके एक नया इंटरवल सेट करना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस यस ये प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं, सबसे पहले तो ये बताओ। इसको एक डायग्राम से समझा देता हूँ, सिंपली ऐसे समझ लो यहाँ पे मेरा ऐप कंपोनेंट है और इसमें एक सेट स्टेट है और एक सेट इंटरवल है, और सेट इंटरवल में जो हमने इसको यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन, और काउंट अब देखो सेट इंटरवल में जो ये फंक्शन है ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस काउंट को, राइट? यस ठीक है और इस सेट स्टेट को जब हमने क्या किया स्टेट अपडेट की,
हमारा फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, राइट? हम मैंने फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लिया, फंक्शन विल बी कॉल्ड अगेन, ठीक है? अब जब मेरा फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ तो ये जो मेरा काउंट सेट इंटरवल के पास था, मेरा सेट इंटरवल तो दोबारा नहीं बनेगा, राइट? ये तो पहले से ही बना हुआ है। ये जो फंक्शन मैंने बनाया था, ये तो मैंने ऐप कंपोनेंट में बनाया था, वो भी तब जब मैं बटन को क्लिक कर रहा हूं, जब मैं स्टेट अपडेट करके अपना यूआई देखूंगा, जब ये सेट इंटरवल रन करेगा, मैं इसको दोबारा तो क्रिएट कर नहीं रहा हूँ। ये वही पुराना वाला सेट इंटरवल फंक्शन है जो पॉइंट कर रहा है पुरानी स्टेट को, बट अब तो मेरे पास नई स्टेट आ चुकी है क्योंकि मैंने ऐप को दोबारा कॉल किया है, मेरी जो काउंट ये है अपडेट हो चुकी है, बट यहाँ पे ये पुराने को ही पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर मैं कॉल बैक फंक्शन यूज करूंगा तो कॉल बैक फंक्शन क्या इस वैल्यू को वो एक्सेस ही नहीं करेगा, वो सिंपली रिएक्ट को बोलेगा कि मुझे अपडेटेड वैल्यू दो, मुझे प्रीवियस वैल्यू दो। अब फिर उस प्रीवियस वैल्यू को लेने के लिए ये जो मेरा सेट इंटरवल फंक्शन है वो इस सेट स्टेट के पास जाएगा। अब भले ही ये सेट स्टेट मेरा पुराने फंक्शन वाला हो, बट जब ये काउंट को एक्सेस करेगा तो उसे हमेशा अपडेटेड काउंट की वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो देख लो और एक्सप्लोर करना, मे बी अभी तुम्हें ये क्लियर ना हो रहा हो, बट जब खुद से तुम एक्सप्लोर करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। या बट दिस इज लुकिंग क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, राइट? सो व्हेनेवर अ कंपोनेंट इज रीड एंड रीड, इफ यू हैव एनी चाइल्ड फंक्शंस, इट्स नॉट दैट दिस चाइल्ड फंक्शन इज न्यू इंस्टेंस और इट्स अ प्रीवियस इंस्टेंस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स अ न्यू न्यू इंस्टेंस, नया इंस्टेंस ही मिलता है। Yeah, this is something related to this also applicable to event handlers, right? If you are handling an event for the same event handler, yes, yes, closures का concept involve हो जाता है, तो यहाँ से चीजें थोड़ी complex हो जाती हैं। इसीलिए ना यार देखो कि चीजों को time लगता है, it's not necessary कि तुम सब चीजें अभी explore करो, धीरे धीरे it's just a समझ लो, अब तुम्हें ये नई चीज पता चली है तो तुम धीरे धीरे इसको explore करना, तो जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें और नई चीजें मिलेंगी। जब ये क्लास क्लास कंपोनेंट्स थे हमारे पास, तो उसमें दिस को समझना इतना ट्रिकी था ना कि पूछो मत। फिर उन्होंने फंक्शनल कंपोनेंट रिएक्ट की टीम ने क्रिएट किया सो दैट हम लोगों को दिस ना समझना पड़े। तो अभी फंक्शनल कंपोनेंट में हमें क्लोजर्स को समझना पड़ेगा, और क्लोजर्स के साथ प्रॉब्लम आती है स्टेल क्लोजर की। तो ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है स्केल क्लोजर की। तो सिंपली थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ना और क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो डीएम करना। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते, लाइन नंबर 11 के बाद एक लेट वेरिएबल बना के उसके अंदर काउंट की वैल्यू डाल दे और लेट को हम काउंट वेरिएबल प्लस 1 करें। ऐसे बोलो लेट काउंट इज इक्वल टू काउंट, या फिर काउंट वन कर दो। हाँ यहाँ पे काउंट वन कर दो, इस काउंट वन को अपन काउंट वन प्लस वन कर दें यहाँ पे। हाँ ऐसे कुछ बोल रहे हो, काउंट प्लस वन ऐसे कर दूँ? हाँ, और अभी रन करूँ ऊपर वाली जो काउंट की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे काउंट टू कर दो, काउंट टू इक्वल टू काउंट वन, तो वैल्यू बार बार न्यू इंस्टेंस बनता रहेगा और ये वन और टू के बीच में झूलता रहेगा क्योंकि आपने हेडलर में ही वन डिक्लेयर किया है। हाँ। तो जब भी क्लिक करेगा तो वन होगा और क्लिक तो एक ही बार होगा ना। अब इसको तुम सॉल्व करने के लिए जो नया डेवलपर होता है वो ये करता है, वो ना फंक्शन के ऊपर चला जाता है और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता है, लेट लेटेस्ट काउंट इज इक्वल टू जीरो कर देता है और कॉल बैक फंक्शन सेट, अच्छा सेट काउंट ही तो यहाँ पे वो क्या करता है, काउंट प्लस वन कर देता है और लेटेस्ट काउंट इज इक्वल टू काउंट
ठीक है देखो यो जस्ट अ सेकंड गाइस एक कॉल आ रही है हाँ ठीक है यहाँ पे हम क्या मिस कर रहे हैं क्या है एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट लाइन नंबर 17 अच्छा ये क्लिक नहीं पे क्लिक किया अभी भी नहीं हो रही काउंट की जगह लेटेस्ट काउंट अगर प्रिंट करवाते हैं तो ये शायद अपडेट हो रहा होगा हाँ 16 to 17 को 16 कर दो नहीं नहीं अच्छा ठीक है ऐसे नहीं करते मैंने यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा ये हटाना पड़ेगा ठीक है तो नया जो रिएक्ट में काम करने बंदा आता है अगर उसे कभी प्रॉब्लम आती है तो ये ऐसे कर लेता है बट ये बिल्कुल भी सही सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे हमने रिएक्ट की रेंडर साइकिल के बाहर जाके कोई वैल्यू डाल दी ठीक है रिएक्ट का जो रेंडर का साइकिल है वो बस कंपोनेंट के अंदर तक है हमने क्या बोला कि रेंडर साइकिल के बाहर कुछ रख दिया और फिर हम उसको बार बार एक्सेस कर रहे हैं उसको अपडेट कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत तरीका है ये एंटी पैटर्न है तो ऐसा कभी नहीं करना सिंपली या तो तुम कॉल बैक फंक्शन पास करो या तो तुम यूज रेफ यूज करो यहाँ पे हम यूज रेफ भी यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूज रेफ सॉरी और यहाँ पे इनिशियल में जीरो डाल देता हूँ और सिंपली लाइक ref डॉट करेंट इज इक्वल टू बट फिर यहाँ पे ना स्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट ही हट गया कि मैं सब कुछ लाइक ref से कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने डाल दिया ये ठीक है तो अभी भी सही चलेगा तो हम ref यूज करते हैं जब ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है अगर ref से नहीं सॉल्व होती पहला जो सॉल्यूशन बेस्ट है वो है कॉल बैक फंक्शन पास करना अगर उससे भी नहीं होता तो ref और ref से भी नहीं होता देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग अपना कोड वापस से पढ़ो और सही करो बट कभी भी कॉम्पोनेंट के बाहर की कोई चीज ऐसे नहीं एक्सेस करते हैं एक्सेस कर सकते हो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो तो बताओ यहां तक लाइक कॉम्पोनेंट्स स्टेट्स प्रॉप्स ये क्लियर हुए ठीक है स्टेट इज जस्ट अ वेरिएबल और उसको अगर तुम अपडेट करोगे तो रिएक्ट विल ट्रिगर अ रीरेंडर और ये जो रीरेंडर का टर्म है इट्स नॉट लाइक कि यूआई अपडेट हो रहा है इट्स सिंपली लाइक तुम React का जो reconciliation वाला algorithm है उसको तुम kick in कर रहे हो कि भाई मैंने अपने data update कर दिए अब तुम check कर लो क्या तुम्हें UI update करना है क्या और फिर React compare करेगा और based on that अपना decision लेगा ठीक है अब यहाँ पे एक question ये भी निकल के आता है कई बार interviewer पूछता है कि हम count के साथ ये जो set लिख रहे हैं क्या ये लिखना जरूरी है तो ये completely optional है ये बस React ने एक recommended way दिया है कि अगर तुम state variable create कर रहे हो तो उसे set से prefix कर दो so that तुम्हें पता चल सके तुम differentiate कर सको state function और normal function के बीच में तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ like something something this is completely fine ठीक है तो दो parameter accept करता है एक value और दूसरा function yes हाँ वो कुछ भी हो सकता है अब यहाँ से एक और question निकल के आता है कि क्यों
यूज स्टेट एक एरे रिटर्न करता है, ये क्यों एक ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता? मैं एक ऑब्जेक्ट भी तो रिटर्न कर सकता था लाइक यूज स्टेट वेरिएबल और फंक्शन, तो क्यों वो एरे ही रिटर्न करता है? कोई क्योंकि हाँ दिस इज ये जो यूज स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है समथिंग रिलेटेड टू क्लोजर वन थिंग एंड सेकेंडली आपने जो स्टेट क्लोजर का जो बोला था ना दैट इज आल्सो वी आर और कैपिंग द इश्यू और दे so that's the reason we are returning count as well as the function jo function rehta hai wo aapka jo previous value memory for example closure is nothing but which holds a previous value in memory count ka value wo wahan pe usko hold karke rakhta hai to when dobara batana main zara lost ho gaya tha ji For example, use state का जो concept है, failure नहीं, 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 देखो मेरा question समझोगी नहीं, मेरा question ये है कि use state एक array क्यों return करता है instead of an object, ठीक है? मैं ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मेरा ये function है use state, जब जिसने बनाया होगा उसने कुछ ऐसा किया है like return किया है value और set value. ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रिटर्न किया? प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव ऐसा दोनों ही प्रिमिटिव है, दोनों ही नॉन प्रिमिटिव है. तो देखो उसने ऐसा इसलिए नहीं किया, अगर वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता तो तुम मतलब तो तुम्हें फिक्स नेम यूज करने पड़ते. यहाँ पे मैंने एरर रिटर्न किया है तो तुम कुछ भी नाम यहाँ यूज कर पा रहे हो. ठीक है, यहाँ पे तुम डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो. यूज स्टेट जो भी रिटर्न कर रहा है उसे तुम सिंपली अपने खुद के नाम में डाल दे रहे हो. अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो तुम्हें फिक्स नेम यूज करने पड़ते. यहाँ पे हाँ यहाँ पे तुम्हें वेल सेट वैल ही करना पड़ता है. यहाँ पे तुम कुछ रैंडम नहीं कर सकते थे. अगर तुम्हें कुछ रैंडम करना होता तो तुम्हें फिर सेमी कॉलन का यूज करके यहाँ पे अपना कुछ नाम देना पड़ता जो कि एक ओवरहेड हो जाता. ठीक है, तो इस रीजन की वजह से यूज स्टेट एक एरे रिटर्न करता है इंस्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ठीक है अभी अगर क्लियर है चीजें तो हम मूव करते हैं लाइक सर एक डाउट है बताओ. सर जैसे हैंडल चेक जो अपना फंक्शन था उसमें सेट स्टेट हमने एक के बाद एक बहुत लिखे थे और वो नेक्स्ट लाइन पे जो हमें वैल्यू नहीं मिल रही थी क्योंकि वो शेड्यूल कर रहा था सेट स्टेट, तो फिर वैसी सेम चीजें क्या वर्चुअल डॉम में भी होती है? मतलब वर्चुअल डॉम में अगर कोई चेंजेस होते हैं एक के बाद एक तो फिर वो शेड्यूल करता है या हर बार वो मतलब डॉम पेंट करता है रिएक्ट? एक बार दोबारा बताओगे क्या यार क्वेश्चन? मतलब जैसे सेट स्टेट में शेड्यूल होता है ना जो भी हमने वैल्यू असाइन किया है वेरिएबल को, तो वही सेम चीजें क्या वर्चुअल डॉम में होती है? मतलब वर्चुअल डॉम में कुछ बहुत कम टाइम में कुछ चेंजेस हो गए तो फिर वो वर्चुअल डॉम वेट करता है ताकि सारे चेंजेस को वो एक्यूमुलेट कर सके और बाद में एक साथ सब चेंजेस को डॉम पे पेंट कर दे. हाँ ऐसा ही कुछ. ओके, बेसिकली ये ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, ये रिएक्ट को अपने डिसीजन मेड करने के लिए मतलब वो अपने तुम समझ लो खुद के एल्गोरिदम वगैरह यूज करता होगा, कंपेयर कर लिए अपडेट करना है कब अपडेट करना है. अब उसका परफेक्ट टाइम वो खुद डिसाइड करता होगा जब ब्राउजर आइडियल है या जब भी उसे लग रहा है कि कोई हाई परफॉर्मेंस टास्क नहीं हो रहा है. ये सारा काम हम खुद से भी कर सकते हैं. ठीक है, बट फिर उसके लिए हमें ब्राउजर इंटरनल्स देखने पड़ेंगे. ठीक है, तो वो सारा काम हमें ना करना पड़े, वो सारा काम रिएक्ट खुद करके देता है. ओके, तो हर बार ये दो वर्चुअल डॉम बना के ही रहेगा, राइट? हाँ वो यस, ये फिक्स है भाई, ये फिक्स है. तुम दो वैल्यू को कंपेयर कैसे करोगे जब तुम्हारे पास एक ओरिजिनल होगा और एक चेंज वैल्यू होगा? तुम कभी कंपेयर कर पाओगे राइट? अगर
अगर तुम्हारे पास एक ही वैल्यू है तो तुम कंपेयर करोगे किससे? नहीं कर सकते, करेक्ट करेक्ट। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो बताओ बताओ जी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल स्टेल क्लोजर का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग द इनिशियल वैल्यू तो देन यू विल कम टू द कंक्लूजन दैट दिस पर्टिकुलर क्लोजर इज नॉट वर्किंग एज यू एक्सपेक्टेड। और ऐसा कुछ टेक्निक है कि कुछ तो क्लोजर का नहीं ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं है? नहीं, जब तुम एक्सपीरियंस करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। ये okay. ऐसा कोई नहीं है कि मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा होगा तब ऐसा होगा। मेनली जो ये इशू तुम्हें आएगा वो तुम्हें सेट टाइम आउट के साथ ही आएगा, जब तुम सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, एक्सियोस वगैरह, तुम जब कोई एसिंक फंक्शन यूज करोगे जो मतलब जो तब एग्जीक्यूट होंगे जब तुम्हारी स्टेट अपडेट हो चुकी हो, तब तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम आएगी। और जब तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो तुम रिजॉल्व कर लोगे क्योंकि अब तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो डोंट वरी कि अगर अगर किसी को लाइक डाउट है कि भाई मुझे नहीं पता चलेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो अब तुमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन कि लाइक कि तुम्हें नहीं पता, जब प्रॉब्लम आएगी तो तुम सॉल्व कर लोगे। तो ठीक है, अभी हम सिंपली टिक टैक टो बनाते हैं जो भी हमने अभी तक सीखा उसका यूज करके, और देन वी विल कंक्लूड दी सेशन। और अगर कोई किसी को डाउट वगैरह होगा तो देन वी विल डिस्कस। यार क्वेश्चन, सो व्हेन वी सी अ वेब एप्लीकेशन हाउ डू वी नो इट इज बिल्ट इन रिएक्ट? यार उसके लिए कई सारे टूल्स आते हैं। हाउ टू चेक, एक्सटेंशन आता है क्रोम का, तो सिंपली एक्सटेंशन रहता है, तुम एक्सटेंशन ऑन रहेगा ऐसे ही वेबसाइट ओपन करोगे, एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट टू नो। यार किसी को मीटिंग लिंक ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हुई है क्या? मेरे पास कुछ मैसेज आए उनको 404 दिख रहा था। हाँ सर, वो टॉपटल से हो रहा है। यस यस, टॉपमेट वाले लिंक पे क्लिक करें तो हो रहा है, आपके गूगल मीट के लिंक पे क्लिक करने पर नहीं हो रहा। वो मैंने भी किया था मैसेज, पहले मैं टॉपटेल में गया था, फिर मैं मेल चेक किया तो मेरे को लिंक नहीं थी। अरे यार बताओ, बाकी बच्चे तो आ ही नहीं पाए यार। और हां डाल दो आपकी गूगल मीट पे ज्वाइन करो बोल के जी। हां यार लाइक आई डोंट नो, मैंने उधर पे लिंक तो अपडेट किया था, लेकिन यार मेरे इसमें मैंने खुद चेक किया ना कॉल स्टार्ट करने से पहले, ज्वाइन तो हो रहा था। लेट मी चेक अगेन। यस यार मतलब आई डोंट नो कैसे, मतलब तुम कहां पे क्लिक कर रहे थे, कोई कुछ बताएगा क्या मुझे? व्हाट्सएप में ही एक्चुअली लिंक आई थी टॉप 10। हां व्हाट्सएप में आया होगा, तुमने ज्वाइन कॉल का ऑप्शन होगा तुम्हारे पास, राइट? Yes, वहां पे मैंने क्लिक किया तो फिर बाद में वो अलग विंडो में लेके आया जहाँ पे ज्वाइन का बटन था। हाँ, और उसके बाद 404 आ रहा था डायरेक्ट। सर अभी भी आ रहा है? अच्छा अभी भी आ रहा है यार, ठीक है चलो मैं बोल दूंगा सबको कि भाई रिकॉर्डिंग वगैरह दे दूंगा। ईमेल भी आया था उसके ऊपर भी ज्वाइन बटन था, वहां यार तुम वो लिंक मुझे दे दोगे क्या? मैं उनकी टीम को भेज दूंगा। ज्वाइन नाउ पे सिंपली राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर दो और जो लिंक है ना वो मुझे इधर भेज दो। अच्छा ये मीट का लिंक तो सही है, जो यहाँ पे लिंक है ना वो लिंक हमारा सही है। हाँ सर, फिर वो मीट का उतना वो कॉपी करके फिर मैंने गूगल से ज्वाइन किया। हाँ समझ गया यार, इन्होंने देखो अब कितना गलत, ये इनकी डेवलपमेंट टीम की गलती है ना भाई, इन्होंने यूआरएल पे अपेंड किया है, रीड ही नहीं कर पा रहे होंगे अच्छे से, पता नहीं डायरेक्ट वगैरह करवाने की कोशिश कर रहे होंगे।
कर रहे होंगे। ठीक है मैं बोलूंगा इनको, वो नहीं कि ऐप में यूआरएल फाइंड करने जाता होगा। हाँ हाँ तो पैरामीटर कैच करके रिडायरेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है यार तो ठीक है चलो टिक टैक तो देख लेते हैं। हाँ हेलो हाँ थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है लाइक जैसे व्यू रिएक्ट के बाद में व्यू आया जिसमें बहुत सारी चीजें रिएक्ट की ओवरकम थी द इजीनेस एंड ऑल दिस बट व्यू इतना पॉपुलर क्यों नहीं होता है रिएक्ट के। यार व्यू देखो पॉपुलर है, ऐसा नहीं है कि व्यू पॉपुलर नहीं है। ठीक है तो देखो प्रॉब्लम ये है ना कम्युनिटी की, अभी ऐसे समझ लो कि लाइक आईफोन इतना पॉपुलर क्यों है और सैमसंग ये सब इतने पॉपुलर क्यों नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पॉपुलर है ठीक है, बस द थिंग इज कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं ना उस चीज को। व्यू व्यू जो लोग व्यू यूज कर रहे हैं उनको अच्छी लगती है। मैंने व्यू पे 4-5 महीने काम किया है और ट्रस्ट करो कि रिएक्ट से काम करने से लाख गुना ईजी है व्यू पे काम करना। वहां पे कोई स्टेट का लफड़ा उफड़ा कुछ भी नहीं है, सिंपली लाइक वेरिएबल को तुम चेंज करो तुरंत यूआई अपडेट होता है जैसे तुम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो। वहां पे इतना कुछ भी स्टेल क्लोजर ये सब कोई दिक्कत नहीं होती है। रिएक्ट से मैं कहूंगा 10 times इजी है व्यू, बट बस यही है कि लाइक पॉपुलर है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है तो सब रिएक्ट पे ही काम कर रहे हैं। जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो करेगी वैसे वैसे व्यू भी पॉपुलर हो जाएगा। तो मुझे रिएक्ट का सबसे सही मैं देख रहा था व्यू, मैं खुद ही देख रहा काम कर रहे तो वहां पे उन्होंने ऑलरेडी जितनी भी चीज हम सोचते हैं जो हम अपने कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं उन्होंने वो सारी चीजों को हटाई दी। आपका मतलब वी मॉडल है, आप वो वी मॉडल को लेके पूरे गेम में कहीं भी खेलते रहो। राइट राइट राइट, कोई टेंशन ही मत है किसी भी चीज का। आपको मेथड उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, वॉचर प्रोवाइड कर दिया, स्टेट मैनेजमेंट को एकदम इजी वे में उन्होंने लेकर आ गए। आपको किसी चीज को लेके जाके जूझने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो ठीक है यार अभी ना ऑफ टॉपिक नहीं होते क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है, हम टिक टैक टो बना के देखते हैं। तो बेसिकली देखो टिक टैक टो में क्या होता है, हमारे पास एक ये लार्जर कंपोनेंट होता है ठीक है बोर्ड हमारा, और फिर हमारे पास 9 buttons होती हैं ठीक है, और हर बटन्स में लाइक कुछ यूजर एक्शन होते हैं, लाइक प्लेयर 1 X होता है, प्लेयर 2 के लिए हम 0 लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम इसका छोटा लॉजिक लिख लेंगे। तो अब कंपोनेंट अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे ब्रेक डाउन करूंगा, एक मेरा बड़ा कंपोनेंट है और उसके अंदर कुछ 9 components होंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ इसी ऐप कंपोनेंट में ही मैं बना देता हूँ, लाइक मैं अलग से फाइल्स नहीं क्रिएट करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे एक div क्रिएट करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ बोर्ड ठीक है। ये जो बोर्ड है ये मेरा बड़ा वाला बोर्ड है और इसमें मुझे 9 buttons बनाने हैं। अब 9 button बनाने के लिए मैं 9 बार सिंपली बटन का कोड लिख सकता हूँ ठीक है ऐसे, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक एरे का यूज करूंगा, लाइक एरे डॉट फ्रॉम का यूज करके मैं एक एरे क्रिएट कर लूंगा, एरे डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे मैं सिंपली न्यू एरे डाल देता हूँ 9 और इस पे हम मैप रन कर लेते हैं। और मुझे इस एरे में क्या है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो मैप फंक्शन है ये मुझे इंडेक्स रिटर्न करके ही देगा। तो मैं सिंपली इसी इंडेक्स का यूज करूंगा लाइक बटन्स में की वगैरह सेट करने के लिए ठीक है, रिटर्न बटन, और यहाँ पे मैं इंडेक्स डाल देता हूँ सो दैट मैं यूआई पे चेक कर सकूं कि हाँ मेरा यूआई सही बन रहा है। कंपाइल विथ प्रॉब्लम ठीक है, इसको फिक्स करते हैं अभी। ठीक है यहाँ पे देखो मेरी बटन्स बन गई हैं 0 to 8 तक की, और थोड़ी सी सीएसएस लिख देते हैं, चलो ऐप सीएसएस में ही चलता हूँ, और बोर्ड को हम कर देते हैं हाइट
300 पिक्सल, विथ 300 पिक्सल, और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट ब्लू। और इस ऐप पे मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सो दैट सब लाइक सेंटर पे आ जाए। 90 पेज क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ये मेरा सेंटर में आ गया। और इन बटन्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, डायरेक्टली मैं बटन टैग को ही टारगेट कर लेता हूँ बटन, और हर बटन की जो हाइट है वो मैं 100 पिक्सल रख देता हूँ, और विड्थ भी 100 पिक्सल रख देते हैं, सो दैट मेरा पूरा बोर्ड फिल हो जाए। अभी मेरा पूरा बोर्ड फिल हो गया है, ठीक है। और फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, 25 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा बोर्ड रेडी है, और इसको अगर मैं अभी, चलो थोड़ी स्टाइलिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज मुझे चाहिए कि मैं प्लेयर को आइडेंटिफाई कर पाऊँ, प्लेयर वन है या प्लेयर टू है, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करूंगा, सारी फाइल्स क्लोज कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करूंगा प्लेयर, और ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का रहेगा। इससे मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि भाई मेरा कौन सा प्लेयर खेल रहा है, मतलब कौन सा मेरा करंट प्लेयर है। और अपनी ऐप में मैं एक स्टेट बनाऊंगा, लाइक प्लेयर सेट प्लेयर और यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं इस प्लेयर को डिस्ट्रक्चर करने के बाद डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, डिस्ट्रक्चर करने के बाद नहीं, प्लेयर डॉट ए, मैं चाहता हूं जब मेरा गेम स्टार्ट हो तो जो करंट प्लेयर है वो मेरा प्लेयर डॉट ए रहे, ठीक है। अब मुझे और कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी बताओ? साइंस की, जीरो और क्रॉस की, सॉरी प्लेयर बी स्टेट, हाँ नहीं, जो जिसने क्रॉस बोला वो मैं इस प्लेयर से बना लूंगा। अगर प्लेयर जीरो होगा तो क्रॉस दिखा दूंगा, वन होगा तो जीरो दिखा दूंगा। मुझे चाहिए स्टेट, मुझे कैसे पता चलेगा? हमें हर एक बॉस में अपेंड करना पड़ेगा। हाँ, मतलब बेसिकली मुझे चाहिए एक ऐसी स्टेट जिससे मैं ट्रैक कर पाऊं कि प्लेयर बी ने कितने मूव कर दिए हैं, गेम कहाँ तक पहुंचा है, और क्या क्या प्लेयर चल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेयर प्लेयर क्या मूव्स नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसे भी मैं एक ऑब्जेक्ट टाइप का क्रिएट करूंगा, और इसमें मैं एक डायनेमिक की रखूंगा, ठीक है। लाइक हर प्लेयर के लिए मैं एक की बनाऊंगा, और ये मैं स्ट्रिंग टाइप का रखूंगा। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? अच्छा, इज इक्वल टू मिसिंग है, ये क्लियर है राइट? ये बस एक प्लेयर मूव्स, बस एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 0-1 करके की है हर प्लेयर के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये क्लियर है राइट? या मैं इसको कंसोल करके दिखाऊं? चलो कर लेंगे, कॉन्स्ट प्लेयर मूव्स सेट प्लेयर मूव्स यूज स्टेट, और यहाँ पे हम इसको, और इसको हम कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास सिंपली ये जो प्लेयर मूव्स है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 0 फॉर प्लेयर 1, 1 फॉर प्लेयर 2। अगर मैं 5 पे क्लिक करूंगा तो मैं सिंपली 0 का करेस्पॉन्डिंग 5 डाल दूंगा, सो दैट मुझे पता रहे ना कि किस प्लेयर ने कौन से बटन पे क्लिक किया है। तो अब देखो, अब क्लिक लिसनर अटैच करते हैं, ऑन क्लिक। क्या बटन पे क्लिक ऐड करना इजी है, मतलब क्या बटन पे क्लिक करना एक अच्छा सॉल्यूशन है यहाँ पे? तो देखो, बटन पे मैं कर सकता हूँ, ये बहुत इजी है, ठीक है, कि मैं हर बटन पे लगा दूं, बट मेरे पास 9 बटन्स हैं और 9 इवेंट लिसनर अटैच करना आई डोंट थिंक सो कि सही होगा। तो मैं इसे यहाँ नहीं अटैच करूंगा, यहाँ पे हम
इवेंट डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. मैं सिंपली डिव पे क्लिक लिसनर अटैच करूंगा और इस डिव को भी मैं बटन क्रिएट बटन बना दूंगा. ठीक है, या चलो ऐसे करते हैं कि इसको डीवी रहने देते हैं. ठीक है, और इवेंट डेलीगेशन क्या बोलता है कि लाइक हम पेरेंट पे क्लिक लिसनर ऐड करते हैं और हम चाइल्ड पे कुछ डेटा एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं, और जब हम क्लिक करते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम कहां पे क्लिक कर रहे हैं. तो अब जब भी बटन प्रेस हो तो मुझे सबसे पहले चाहिए कि किस प्लेयर ने वो बटन दबाई है. तो मैं यहाँ पे एक डेटा प्रॉपर्टी सेट करूंगा डेट, और ये क्लियर हो रहा है राइट, या मैं सिंपली यहीं पे क्लिक लगा के कर दूं? हो रहा है सर, क्लियर. ठीक है, परफेक्ट. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पता करना चाहता हूँ कि कौन से प्लेयर ने बटन दबाई है. तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेटा प्लेयर. ठीक है, और प्लेयर डैश टाइप कर देते हैं. चलो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? ये कर दूं मैं, ये सही है? नो. क्यों नो? क्यों भाई? इसी प्लेयर से मैं ट्रैक करूंगा ना कौन सा प्लेयर खेल रहा है. ठीक है, तो जब भी मैं बटन दबाऊंगा प्लेयर टॉगल कर दूंगा और हर बटन पे प्लेयर टाइप अपडेट हो जाएगा. और मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए कि दूसरी चीज क्या चाहिए बताओ सर? वो इंडेक्स. हाँ, कि ये बटन है कौन सी. तो मूव आईडी इज इक्वल टू इंडेक्स. ठीक है, दैट्स इट. अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ये हैंडल क्लिक इंप्लीमेंट करूंगा, फंक्शन हैंडल क्लिक, और यहाँ पे सिंपली इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे और कॉन्स्ट विच wch विच प्लेयर इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट. अब मुझे डेटा सेट प्रॉपर्टी एक्सेस करनी पड़ेगी, और यहाँ पे जब हम डेटा सेट प्रॉपर्टी का यूज करके इनको एक्सेस करते हैं तो हमें डेटा वर्ड नहीं लिखना पड़ता. सिंपली जो भी डेटा एट्रीब्यूट का नाम है वो प्लेयर, और यहाँ पर टाइप डैश के बाद जो भी है वो हम कैमल केसिंग में करेंगे, और उससे मुझे वैल्यू मिल जाएगी. और कॉन्स्ट मूव आईडी, एक दूसरा तरीका भी है वो भी मैं दिखा देता हूँ. इवेंट डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट. ठीक है, ये दो तरीके हैं जिनसे हम डेटा एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं. और इस गेट एट्रीब्यूट में फिर मुझे पूरा एग्जैक्ट नाम पास करना पड़ेगा. डेटा मूव आईडी, मूव आईडी. ठीक है, तो अब मेरे पास आ चुका है कि किस प्लेयर ने बटन को प्रेस किया है, किस प्लेयर ने बटन को प्रेस किया है और कौन सी बटन प्रेस की है. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लेयर को टॉगल करना है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं करूंगा, या इसको चलो पहले कंसोल करके चेक कर लेते हैं. ठीक है, क्या आ रहा है, विच प्लेयर और मूव आईडी. ई डॉट टारगेट. गेट एट्रीब्यूट. अच्छा, ठीक है, देखो अभी विच प्लेयर है 0 क्योंकि मैंने प्लेयर को चेंज ही नहीं किया है. मूव आईडी है 1. जैसे जैसे मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ मुझे पता चल रहा है कि मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ. ठीक है, तो हमारा इतना कोड सही है. यहाँ पे मैंने की प्रॉप मिस कर दिया, तो की प्रॉप हम डाल देते हैं इंडेक्स. ठीक है, और ये मेरा एकदम सही चल रहा है. अब मुझे क्या करना है, जो भी प्लेयर है सबसे पहले चलो हम उसको टॉगल कर देते हैं. तो मैं यहाँ पे अब हम हैंडल क्लिक पर टॉगल नहीं करेंगे, ना ही मैं कोई यूज स्टेट यूज कुछ यूज इफेक्ट यूज करूंगा. हमें यूज इफेक्ट अवॉइड करना है. ठीक है, कम से कम यूज करना है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा करेंट प्लेयर इज इक्वल टू, अगर मेरा प्लेयर है, नहीं, इसको अपडेट ही करना पड़ेगा.
बिकॉज ये मेरा करेंट प्लेयर है, तो यहां से कर लेते हैं करेंट प्लेयर. अगर प्लेयर डॉट ए, सॉरी प्लेयर इक्वल टू है मेरा प्लेयर डॉट ए के, दिस मीन्स कि अब जो करेंट प्लेयर होगा वो कौन होगा, प्लेयर डॉट बी. अदरवाइज ये क्लियर है कंडीशन सबको, राइट? यस. यहां पे हमने कर दिया करेंट प्लेयर, तो टू पे हटा दिया क्या मैंने, ठीक है. विच प्लेयर जीरो मूव आई डी फोर, विच प्लेयर वन मूव आई डी जीरो. अब मुझे पता चल रहा है कौन सा प्लेयर कौन सी बटन दबा रहा है, ठीक है. तो अब मुझे सेव करना है बेस्ड ऑन पर प्लेयर. तो मैं क्या करूंगा, मुझे मुझे पता है कौन सा प्लेयर है और क्या मूव है ये भी पता है, और मेरे पास एक स्टेट भी है ये प्लेयर मूव्स वाली. तो चलो यहां से मैं प्रीवियस मूव्स निकाल लेता हूं, और जो ये इसको डिस्ट्रक्चर करके निकालेंगे, ठीक है. ये मेरे पास आ गया है, और अब मैं सिंपली प्रीवियस मूव्स मेरे पास हैं, मैं क्या करूंगा प्रीवियस मूव्स और जो भी मेरा विच प्लेयर है, ठीक है. क्योंकि जो मेरा ये प्लेयर मूव्स है मैं हर प्लेयर के करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को रख रहा हूँ और वो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं. तो विच प्लेयर यहाँ पे मैं चलो लॉन्ग वे ही यूज कर लेते हैं, डी वो टेम्पलेट डिटेल का यूज करता हूँ, प्रीवियस वैल्यू निकाल लूंगा और यहाँ पे सिंपली जो मेरा मूव आईडी है वो डाल दूंगा. ज़ूम इन कर लेते हैं, ठीक है. और सेट सेट स्टेट ऑफ सॉरी सेट प्लेयर मूव्स और इसमें प्रीवियस मूव्स डाल देते हैं इसको, और इसको भी हम कंसोल कर लेते हैं, रिफ्रेश. तो अब देखो अब मेरे पास दो तीन बार क्लिक कर लेता हूं, सबसे लास्ट वाले को एक्सपेंड करते हैं. देखो जो प्रीवियस मूव्स है ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का है, और इसमें हर प्लेयर के लिए मेरे पास जो जो मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग में अपेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है. ये क्लियर है सबको, राइट, कि मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ सर, एक बार प्रीवियस मूव का. देखो प्रीवियस मूव्स में मैं हर प्लेयर के करेस्पॉन्डिंग बस एक स्ट्रिंग रख रहा हूँ, ठीक है. अभी अगर मतलब अभी जो प्रीवियस मूव्स है वो यहाँ पे चलो देखते हैं, बस मैंने एक बार क्लिक किया है जो मेरा, इसको रिफ्रेश करते हैं. देखो प्रीवियस मूव्स जो प्लेयर वन है उसने वन पे क्लिक किया है, प्लेयर टू ने अभी कहीं कहीं क्लिक नहीं किया, ठीक है. अभी मैं क्लिक करता हूँ फाइव पे, अभी इसे एक्सपेंड करता हूँ. तो अब देखो प्लेयर जो मेरा दूसरा था उसने पांच पे क्लिक किया है और प्लेयर वन ने वन पे किया था, अभी मैं टू पे ये टू पे क्लिक करता हूँ. अब मेरा विच प्लेयर देखो, ये मैंने वन पे बस टू अपेंड कर दिया है, ठीक है. ओके सर, ओके सर, ठीक है, इतना हो गया है. अब बात आती है यहाँ पे जीरो और वो उस पे हम बाद में जाएंगे. अब बात आती है विनिंग कंडीशन की, कोई प्लेयर कब कब जीतेगा, जब पैटर्न मैच हो जाएगा लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अब मुझे एक डेटा स्ट्रक्चर रखना है जिसमें मैं ये मेंटेन करके रखूं कि लाइक मेरी विनिंग कंडीशन क्या है. तो अब देखो विनिंग कंडीशन के लिए मैं सिंपली एक एरे रखना चाहता हूं, और उसमें मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन रखना चाहता हूं, जैसे 0 1 2 हो गया, 3 4 5 हो गया, ठीक है, 6 7 8. अब अगले तुम बताओ अगला क्या होगा. 0 3 6 1 4 7 0 3 6
147 yes 258 258 yes 048 048 yes 246 बस राइट यूजर तो किसी भी ऑर्डर में क्लिक कर सकता है ना हाँ राइट तो वो आई थिंक इस तरह से 102 इस तरह से भी वो बना सकता हाँ राइट राइट तो वो अभी एक एक स्टेप ठीक है हाँ हाँ एक एक स्टेप चलते हैं कि विनिंग कंडीशन आ गई अपने पास ठीक है तो कॉन्स्ट विनिंग कंडीशन ठीक है ठीक है तो अब बस मुझे चेक करना है कि क्या कोई प्लेयर इस विनिंग कंडीशन को मैच करता है क्या तो उसके लिए मैं करूंगा देखो यहाँ पे मैंने जो प्लेयर के मूव थे वो अपडेट कर दिए इस पॉइंट पे राइट ये क्लियर है अब मेरे पास अपडेटेड मूव है मुझे बस ये चेक करना है कि प्लेयर जीता है क्या अब प्लेयर तभी जीतेगा जब ये पैटर्न मैच होगा उसने कुछ इस तरह से चला होगा अब मेरे पास प्लेयर के मूव्स हैं राइट इस तरह से स्ट्रिंग्स ठीक है अभी हम भूल जाते हैं कि प्लेयर कुछ भी चल सकता है फॉर एग्जांपल प्लेयर बस 012 सेलेक्ट करता है ठीक है 012 में ही चलता है तो मैं क्या करूंगा अपने मूव अपडेट करने के बाद मैं चेक करूंगा कॉन्स्ट इज विन ठीक है यहां पे जो मेरी विनिंग कंडीशन है उस पे मैं सिंपली एक लूप चलाऊंगा और यहां पे मैं सम का यूज करूंगा ठीक है कि क्या कोई भी कंडीशन मैट होती है क्या ठीक है अब यहां पे मुझे मेरा विन कंडीशन मिल जाएगा एज एन आर्ग्यूमेंट ये सबको पता है राइट अगर मैं इस सम फंक्शन से ट्रू रिटर्न करूंगा दैट मींस कि इस विनिंग कंडीशन में कुछ कंडीशन मैच हो रही है सम फंक्शन का काम है सिंपली समझ लो फॉर ईच लूप है बट जैसे ही कोई कंडीशन मैट होती है ब्रेक हो जाता है और ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है ऐसे समझ लो इसको और सिंपल वे में समझा देता हूं एक सिंपल एरे है अगर मुझे चेक करना है क्या इसमें कोई भी एलिमेंट टू है सम ई ट्रू रिटर्न कर रहा है ठीक है क्या कोई भी एलिमेंट थ्री से छोटा है ठीक है क्या कोई भी बोल रहा हूं मैं ठीक है यहां पे अब इसका काउंटर पार्ट है एवरी जहां पे वो सब में चेक करता है कि क्या सारे एलिमेंट कंडीशन को मेट कर रहे हैं बट मुझे चाहिए कि जो मैंने यहां पे विनिंग कंडीशन आई थिंक चली गई क्या मुझे बस कोई भी कंडीशन अगर मेट होती है तो यूजर जीत गया है ठीक है तो इसके लिए सम एकदम परफेक्ट फंक्शन है अब मेरा जो मूव है वो एक स्ट्रिंग है ठीक है तो मैं अपने मूव को यहां पे एक्सेस कर लेता हूं प्लेयर 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 टर्न्स या क्या नाम दूं और अच्छा सा प्लेयर स्टेप्स नाम दे देता हूं ठीक है और प्रीवियस मूव्स विच प्लेयर सिंपली मेरे पास प्लेयर के स्टेप आ गए हैं अब मुझे सिंपली यहां से रिटर्न कर देना है रिटर्न ये मुझे पता है राइट कि अगर किसी स्ट्रिंग में मुझे कोई पैटर्न चेक करना है फॉर एग्जांपल ऐसी कोई स्ट्रिंग है अगर मैं यहां पे इंक्लूड्स यूज करूं तो मैं चेक कर सकता हूं कोई पैटर्न फॉर एग्जांपल मैं 433 करूं तो देखो ट्रू आ रहा है ये क्योंकि स्टार्टिंग में 433 है अगर मैं यहां पे 431 कर दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा 4 करूंगा तो ट्रू क्योंकि 4 है तो सिंपली मैं चेक कर लूंगा कि जो प्लेयर के मूव्स हैं डॉट इंक्लूड्स अगर प्लेयर के मूव्स में मेरा कोई भी विन पैटर्न होता है दैट मींस प्लेयर जीत गया है इट्स अ विन ठीक है और अगर इट्स अ विन तो लाइक यहां पे एक स्टेट बना लेते हैं कॉन्स्ट हैज वॉन सेट हैज वॉन और यूज स्टेट फॉल्स और हैज वॉन में हम कोई मैसेज प्रिंट कर देते हैं
H1 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइक प्लेयर जो भी खेल रहा हैज वॉन, ठीक है। अभी रिफ्रेश करते हैं, अभी मैं 012 इनकी जगह वो क्रॉस दिखा देता हूँ। तो क्रॉस दिखाने का लॉजिक एकदम सिंपल है। जो मेरा ये लूप चल रहा है, यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मुझे जीरो दिखाना है कि क्रॉस दिखाना है, ठीक है, या यहाँ पे अभी बाद में आते हैं। सबसे पहले ठीक है, हमारी विनिंग कंडीशन हो गई है, विनिंग कंडीशन चेक कर लेते हैं। इज विन, तो सेट हैज फोन को हम कर देते हैं इज विन, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। अभी मैं जीरो पे करता हूं, 1 2, ठीक है, वन हैज वॉन, क्योंकि अभी मैंने एकदम हैप्पी फ्लो किया है, राइट। 0 1 2 मैं जीत गया, बट ये कंडीशन तब फेल हो जाएगी जब मैं 2 पे क्लिक करता हूँ, देन 1 पे, देन 0 पे। अभी पैटर्न देखो मैच हो गया बट मैं जीता नहीं, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। मैं क्या करूंगा, अपनी स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दूंगा, कहाँ गया, जो मेरे प्लेयर के स्टेप्स हैं इसको मैं सिंपली सॉर्ट कर दूंगा। तो अभी देखो प्लेयर 1 ने क्लिक किया 2 पे, क्या हुआ, अच्छा सर वो स्ट्रिंग से, सॉरी मेरे ख्याल से वो स्ट्रिंग्स की है, तो फिर ऐसे नहीं होगा सॉर्ट स्ट्रिंग। अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी माय बैड, आई थॉट मैं कॉल कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग को मुझे पहले एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एरे को एरे में कन्वर्ट करने का सबसे इजी वे है स्प्लिट। एम्प्टी स्ट्रिंग से मैंने स्प्लिट कर दिया और डॉट सॉर्ट, और फिर सॉर्ट होने के बाद जॉइन, बस 2 1 हैज वॉन, ठीक है। डायगोनल भी चेक कर लेते हैं, 4 पे क्लिक किया, 6 पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक किया, ठीक है। तो मेरी जो विनिंग कंडीशन है वो एकदम सही चल रही है, ठीक है, ये लॉजिक एकदम सही है। अब बस प्रॉब्लम आती है वो क्रॉस वगैरह फाइंड आउट करने की। तो क्रॉस बताओ कैसे फाइंड आउट किया जाए सर? तो प्लेयर ए रहे तो फिर वो क्रॉस रहे, प्लेयर बी रहे तो जीरो रहे। हाँ बट मुझे प्रीवियस वो भी चेक करना है, राइट, कि पहले किसने किया था। करंट का तो मैं दिखा दूंगा बट मुझे प्रीवियस प्लेयर ने क्या चला था वो भी चाहिए, सो दैट मैं बोर्ड की जो स्टेट है वो मेंटेन करके रख सकूं। प्रीवियस मूव, चलो चलो करते हैं, ठीक है, करते करते देखते हैं। मैं सिंपली एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट मार्क, ठीक है, ये एक्स और जीरो होगा। तो अगर जो मेरा प्लेयर है, प्लेयर इक्वल टू अगर ये है प्लेयर डॉट ए, तो भाई तुम शो कर दो एक्स, अदरवाइज तुम शो कर दो जीरो, ठीक है, ओ कर देते हैं, चलो। और अब इंडेक्स की जगह मैं ये मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हर जगह एक्स 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 आ गया है, अभी मैं क्लिक करूंगा तो सब जीरो 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 हो गए, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी सो दैट ये मार्क तभी सेट हो जब मैं चाहूं, ठीक है। तो अब ये कब, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे सिंपली चेक करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर बटन पे कोई प्लेयर मूव कर चुका है या नहीं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, लाइक कि प्लेयर ने इस बटन को क्लिक कर दिया है कि नहीं। अब वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा प्लेयर मूव्स स्टेट से। मैं सिंपली यहां पे क्या करूंगा, कॉन्स्ट हैज प्लेड, ठीक है, मेरे पास प्लेयर मूव्स का पूरा स्टेट बना पड़ा है। मैं सिंपली पर्टिकुलर जो करंट प्लेयर है सारे मूव्स मेरे पास आ गए, ठीक है, कि इस प्लेयर ने इतने इतने डब्बे पे क्लिक कर लिया है। अब मुझे सिंपली चेक करना है कि क्या ये करंट बॉक्स, क्योंकि लूप चल रहा है, राइट, मैप फंक्शन है,
ये जो करंट इंडेक्स है क्या इस पे किसी ने कोई मतलब कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया है क्या? तो सिंपली मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा इंक्लूड्स, और ये इस नंबर होगा तो मैं यहाँ पे लाइक इस टेम्पलेट लिटरल का यूज करके इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी ये हैज प्लेड से मुझे पता चल जाएगा कि यूजर खेल चुका है या नहीं खेल चुका है, तो बस बेस्ड ऑन दैट अगर हैज प्लेड है तो भाई मार्क दिखा दो, अदरवाइज कुछ मत दिखाओ। कहाँ पे है? ठीक है, देखो अभी मेरा बोर्ड एकदम एम्प्टी है, मैं बीच में क्लिक करूंगा तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसे चेक करते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्रॉस आना चाहिए हैज प्लेड प्लेयर मूव्स। ठीक है, मेरे पास प्लेयर के, चलो इसे कंसोल करके चेक करते हैं। ठीक है, देखो इनिशियल रेंडर में मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, लाइक प्लेयर के जो मूव है वो एकदम एम्प्टी है। मैंने क्लिक किया बीच में तो अभी क्या हुआ, ये तो आया मेरे पास। अच्छा, मैंने शायद यहाँ कुछ गलत किया है, ये मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। लाइन नंबर 60, बताओ गाइज यहाँ पे क्या मिस कर रहा हूँ मैं? प्लेयर मूव्स, प्लेयर, प्लेयर एक ऑब्जेक्ट, नहीं 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 प्लेयर तो मेरा वो है ना, एक सिंपली की है वो। यहाँ पे मैं ये लॉक करता हूँ ना, प्लेयर मूव से लॉक कर लेते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, जो मेरा प्लेयर मूव है वो तो एकदम सही आ रहा है, जीरो ने फोर पे क्लिक किया तो यहाँ पे फोर आया, और ये मेरा गलत आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रीवियस मतलब जो करंट प्लेयर है, देखो अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो करंट प्लेयर है उसने मूव किया है कि नहीं, बट प्रीवियस प्लेयर भी तो मूव कर चुका है। You are getting my point, like जो ये कंडीशन है मेरी has played की, ये करेंट प्लेयर के लिए चेक कर रहा है कि मेरा ये करेंट क्या बोलते हैं, जो करेंट बॉक्स है उसको करेंट प्लेयर ने क्लिक किया है कि नहीं। प्रीवियस का मैं यहाँ पे कोई चेक लगा ही नहीं रहा हूँ, बेसिकली मुझे ये चेक करना है कि जो बॉक्स है उस पर किसी भी प्लेयर ने कुछ क्लिक किया है क्या, इंस्टेड ऑफ करेंट प्लेयर। अभी मैं करेंट प्लेयर का चेक कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी इस कंडीशन को चेंज करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये बॉक्स पे किस प्लेयर ने एक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है, तो हाँ, तो अब थोड़ी सी ये कंडीशन मुझे बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, प्लेयर, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा, और मुझे सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा करंट इंडेक्स है क्या उसको प्लेयर ए खेल चुका है। ठीक है, इफ इफ प्लेयर मूव्स, क्या ये जो प्लेयर ए के जो मूव्स हैं इसमें इंक्लूड्स, इस इंडेक्स को डाल देते हैं। इस कंडीशन का मतलब है कि जो मेरा करंट बॉक्स है क्या इसको प्लेयर ए खेल चुका है। अगर प्लेयर ए खेल चुका है दैट मींस कॉन्स्ट, ठीक है, एल्स, अब यहां पे मुझे एल्स इफ यूज करना पड़ेगा। अब मैं चेक करूंगा कि ये जो मेरा करंट बॉक्स है क्या इसको प्लेयर बी खेल चुका है। अगर प्लेयर बी खेल चुका है तो बताओ, ओ
ये क्या बोल रहा है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक है एक्स, ठीक है अभी इस कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको सही कर लेते हैं। अच्छा अभी ये हैज प्लेट की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा यूआई ब्रेक हो रहा है, तो सिंपली चलो यूआई फिक्स कर लेते हैं सो दैट थोड़ा अच्छा सा भी दिखे। तो बटन मैं क्या करता हूँ, nth child selector यूज करता हूँ सो दैट मैं बीच वाली बटन सेलेक्ट कर सकूँ सारी। सबसे पहले मैं बटन का जो बॉर्डर है वो जीरो कर देता हूँ, ठीक है सारा बॉर्डर चला गया, और इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है कहाँ गया। और यहाँ पे जो nth child है वन होगा मेरा बीच वाला, मतलब पहली रो का, इसको लिख देता हूँ देन मैं बता दूंगा। वन होगा पहली रो में मिडिल, टू होगा सेकेंड रो में मिडिल, और थर्ड होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे मैं कर दूंगा बॉर्डर राइट राइट 3 pixel सॉलिड रेड, ठीक है, और बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है, और इसको हम कॉपी करते हैं। अभी मैं सिंपली जो ये बीच वाली रो है मुझे अब ये हॉर, ये मैंने वर्टिकल बॉर्डर ऐड कर दिया है, अब मुझे हॉरिजॉन्टल बॉर्डर ऐड करना है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए मुझे चाहिए सेकेंड रो का लाइक फर्स्ट बॉक्स, तो वो है मेरा 1 2 3 4 5 सही रहेगा, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे टॉप, यहाँ पे बॉटम, सर ऊपर वाले में हाँ 2 चाहिए ना फिर? नहीं 2 CSS एन चाहिए? नहीं 2 नहीं चाहिए, ये मिडिल रो की बात कर रहा हूँ मैं, ये हाँ वहाँ पे कौन सा वहाँ पे 2 चाहिए ना? अच्छा ठीक है यार मैं एरी की इंडेक्सिंग लगा रहा था इधर पे, ठीक है तो ये हो गया, और सिंपली मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है तो मेरा ये अच्छा सा बन गया, और कहाँ गया इसको हटा देते हैं, ठीक है। और आई थिंक थोड़ा सा ये लेआउट ब्रेक हो रहा है आई थिंक फॉन्ट साइज की वजह से, बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग होता है। फॉन्ट साइज में हटा दूं क्या, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? अगर बटन का साइज कम किया तो 100 पिक्सल से 90 पिक्सल शायद से। सही बोल रहे हो, बट उसको मैंने फिक्स कर दिया है ना, एक मिनट, ठीक है बोर्ड, अच्छा ठीक है यार मैंने इस पर फ्लेक्स नहीं लगाया ना, फ्लेक्स हो क्या, ठीक है, और फॉन्ट साइज हम करते हैं
ठीक है, तो अब चलो खेलते हैं। इस पे यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, हाँ यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ठीक है। वन एज वन, तो अभी तुम चाहो तो इसको हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। मैं कहाँ गई कंडीशन, सेट हैज वन, ठीक है। अगर अगर ये इज विन है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एल्स अपना जो मतलब ये सब चीजें ना इसको रीसेट कर सकता हूँ। इसको मैं कर सकता हूँ प्लेयर डॉट ए, और प्रीवियस उसको कर सकता हूँ मैं क्या क्या था, प्लेयर मूव्स, लाइक रीसेट कर दिया मैंने अपना। ठीक है, तो अभी अगर मैं खेलता हूँ अभी तो नहीं जीत पाऊंगा लग रहा है। ये कंडीशन क्यों फेल हुई, मैंने कुछ चेंज किया गया। इसको एक बार हटा के देखते हैं। कुछ तो मैंने मिस कर दिया। ठीक है, मैंने शायद यार गलत तरीके से ना वैल्यू सेट कर दी है। ये एक ऑब्जेक्ट में रहेगा। ये एक ऑब्जेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो जब भी कोई जीतेगा तो बोर्ड मेरा रिसेट हो गया। और इसमें हम ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं करंट पे क्लिक करूंगा तो देखो ऐड हो रहा है ये, राइट, बार बार देखो ऐड होता जा रहा है। मैं सेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं, बहुत ही मैनेज करना। ये कहाँ पे चलते हैं हम, जो मेरा क्लिक फंक्शन है, हैंडल क्लिक, ठीक है। तो अभी जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे बस ये चेक करना है कि क्या पहले से ही उसमें कोई वैल्यू मतलब है क्या, या यहाँ पे चेक करने के बजाय मैं ये कर सकता हूँ। देखो इफ विच प्लेयर, अगर विच प्लेयर नहीं है तो रिटर्न कर दो, ठीक है। और मैं सिंपली नीचे आऊंगा और जहां पे मैं सेट कर रहा हूँ ना डेटा प्लेयर प्लेयर टाइप, ये अगर मुझे पता है अगर ये मार्क है तो भाई प्लेयर खेल चुका है, तब तुम एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर दो। और अभी देखो अगर मैं सेम पे क्लिक करूंगा तो नहीं सेट होगा, क्योंकि मैंने मैंने डेटा एट्रीब्यूट ही हटा दिया है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूंगा तो तुम देखोगे कि प्लेयर डेटा प्लेयर टाइप कुछ है ही नहीं, ठीक है, और बाकी सब में है, बस जो मैं खेल चुका हूं उसमें नहीं है। ये इसमें भी कोई कंडीशन ब्रेक होगी। इसमें क्या कंडीशन ब्रेक हुई गाइस, इसमें क्या विनिंग पैटर्न है, 0 1 2 3 4, ठीक है, हाँ मतलब इधर उधर कुछ हो रहा होगा लाइक, बट लाइक ये इस मतलब इस लॉजिक का यूज करके हम अपना गेम बना सकते हैं। तो अभी बताओ कोई लाइक इस सेशन में इतना ही था लाइक कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट, वर्चुअल डॉम, जेएसएक्स, कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, स्टेट। अब कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए क्वेश्चन कि मैंने एक कॉम्पोनेंट बनाया, उसके अंदर एक इनपुट रख दिया मैंने, ओके, सो व्हेन आई पासिंग इट एज एन आर्गुमेंट
I wanted to make it as a higher order component. Okay. In that particular higher order component, I wanted to add some sort of placeholder. जी कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि एक एक क्लाइंट को प्लेसहोल्डर नहीं चाहिए और दूसरे क्लाइंट को चाहिए. ठीक है. मैं उस कंडीशन पे स्विच करना चाह रहा हूँ लेकिन आई एम अनेबल टू क्रिएट और उसका मैनिपुलेशन मैं कर नहीं पा रहा हूँ. नहीं हो रहा है मेरे से. तो भाई ये तो तुम्हारा कोड देखना पड़ेगा ना. लाइक इस तरह के क्वेश्चंस लाइक मतलब वो तो तुम्हारा कोड देखना पड़ेगा. कुछ गलत कर रहे होगे कोड में. जी जी नहीं नहीं मैं कभी नहीं किया था. मैंने सिर्फ मैं प्रैक्टिस मैंने किया था लाइक लेकिन मेरे को आई वाज नॉट एबल टू सो आई जस्ट आस्क्ड दिस क्वेश्चन सो दैट कि नहीं अपना कोड वगैरह भेज देना. देन आई विल सी और तब मैं बता पाऊंगा. ऐसे तो बहुत मुश्किल है भाई. जी जी अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई क्या गलत कर रहा था तो वो ट्विक मेरे को मिल जाए इसलिए पूछा था मैंने. नहीं ऐसे नहीं बता सकते ना भाई. जी जी ओके ओके. क्या गलत कर रहे हो ऐसे कैसे बता दें. जी ओके तो बताओ इस सर question, हाँ? वो टिकटॉक गेम का आप कोड शेयर करोगे. हाँ ठीक है. कोड में थोड़ी देर में या शाम को ईमेल पे ना गिटहब में डाल के लिंक भेज दूंगा या जिप करके भेज दूंगा. Okay. और सर ये रिकॉर्डिंग्स कब अवेलेबल होगी. रिकॉर्डिंग्स मान लो कल शाम को या मंडे मिडडे तक मैं शेयर कर दूंगा. सर वो मेल पे आएगी. नहीं बेसिकली मैं या यूट्यूब पे डाल देता हूँ और उधर से फिर तुम लोग देख सकते हो. श्योर. और एक और चीज एक मिनट